इस दुनिया में सबको भूख बराबर समय से लगती है और भगवान सबको समय पर खाना उपलब्ध कराते हैं। जगत में सबसे बड़ी आत्मा की तृप्ति तब है जब पेट में खाना जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मरते समय जो इंसान अल्लाह का नाम ले केवल वही उसका बंदा नहीं कहलाता बल्कि भूखे को खाना खिलाने वाला भी अल्लाह का नेक बंदा है। बिस्मिल्लाही वाला बरकतिल्ला। बेटी हाथ दो। अकेले कैंप में जा रही हो ना, तावीज पहन लो। जी अम्मी। अल्लाह हमेशा तेरे साथ रहेगा। कैंप में जा रहे हो, ध्यान से खाना पीना, अपनी तबीयत का अच्छे से ख्याल रखना, कुछ गलत मत खाना, ठीक है? वैसे मैंने तुम्हारे बैग में काढ़ा रख दिया है, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो ले लेना। हाँ दादी। अरे तू सुन रहा है ना? हाँ हाँ सुन लिया। आपका नाम क्या है? रघु। ओके नेक्स्ट। आपका नाम क्या है? पूजा। अच्छा नेक्स्ट। आपका नाम क्या है? आकाश। नेक्स्ट। आपका नाम क्या है? अनंत कृष्ण क्रमधारित ताया। ओके नेक्स्ट। आपका नाम क्या है? नुसरत फातिमा बेग। और क्रमधारित ताया जी, आज कुछ स्पेशल पूजा करवा रहे हैं मंदिर में। लड़का जवान हो गया है तो कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करने का मन है। यह आपने अच्छा फैसला लिया है। आपका बेटा अब तो बहुत बड़ा वकील हो गया है।
सिर्फ नाम ही नहीं, वो तो दिखने में भी एकदम राजकुमार की तरह लगता है। वो गणेश की कृपा से सारी बाधाएं निकलने के बाद हर काम अपने आप बन जाएंगे। अच्छा, आपका बेटा दिख नहीं रहा, कहाँ है वो? ये रहा बेटा। जल्द से जल्द शादी हो जाए और मनचाहा फल मिले। चिंता मत करो, सब अच्छा ही होगा। क्या बेटा, अनंत कृष्ण क्रमाधारिता, अब तुझे इसी तरह हर बार मेरे साथ मंदिर आना पड़ेगा। उपमा और केसर भात खाने के बाद तेरे लिए लड़की देखने चलेंगे, ठीक है ना? सारे गारे गारे सा गारे सा। क्या अनंतु, ये लड़की भी पसंद नहीं आई तुम्हें? माँ, वो दा की जगह नी बोल रही है और नी की जगह दा बोल रही है। उसे सारे गामा नहीं आता, तो मेरी जिंदगी का सारे गामा वो कैसे बोलेगी, आप ही बताइए। लड़की कैसी लगी तुम्हें? पापा, शरबत में इतना नींबू डालकर खट्टा कर दिया था, तो उसका मन कितना खट्टा होगा जरा ये तो सोचिए। क्यों भाई, इस बार कॉफी में शक्कर ज्यादा हो गई क्या? कॉफी तो ठीक थी, पर कॉफी देने वाली पता चल गया, छोड़ो। जैसे ग्लास में आइस गिरता है, वैसे ही तुम्हारे गर्म रोटी पर घी गिरने वाला है। उसे गिरना होगा तब गिरेगा, अभी ग्लास उठा। चीयर्स। एक बात सुन अनंतु, मम्मी पापा के साथ लड़की देखकर शादी करके घर बसाने के बजाय इधर बैठकर बियर ग्लास भर कर मेरे साथ नशे में झूमने का मन कर रहा है क्या? अच्छा रहने दे, एक साल में चार आषाढ़ और चार अमावस छोड़कर साल में 48 शनिवार आते हैं और तूने 48 लड़कियां देखी है और उसमें से तुझे कोई पसंद नहीं है? वो सब अच्छी नहीं थी ऐसा नहीं है, पर वो सब उसकी तरह नहीं है। मेरे दिल में सिर्फ एक ही लड़की है और वो है नुसरत। लेकिन वो नुसरत को देखे तुझे कितने साल हो गए हैं? वो कैसी है, कहाँ है, कुछ भी नहीं पता। तूने उस टाइम पर प्रपोज किया था, तुझे ऐसा लगता वो अभी तक तुझे याद रखेगी? देख, मेरे पापा हमेशा एक बात बोलते हैं, जिसकी सच्ची चाह दिल में हो और जिसका ख्याल मन में हो, वो एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। मस्तान बाबा की दुआ से इसका मनचाहा काम अच्छे से पूरा हो गया है। आप नजर उतारिए। मेरा हो गया, मैं निकलता हूँ। अनंतु, एक पैग और मार कीजा बस। अरे नहीं भाई। अनंतु, एक पैग लेगा तो घर के बाहर सोएगा और दो पैग पिएगा तो भी घर के बाहर। ये बॉटल खाली कर देगा तो दुनिया इधर से उधर नहीं होगी। अगर एक बियर पीऊंगा तो मालूम रहेगा कि मैंने ही पिया है, अगर दो बियर पी लिया तो मुझे क्या, पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा। तो मेरी खुशी मेरे पास ही रहने दे, अगर तुझे पीनी है तो मेरी तरफ से ये तू पी लेना, मैं तो चला, बाय। खाने और पीने का हिसाब नहीं रखना चाहिए मेरे दोस्त, पेट भर के खाना चाहिए और गले में आने तक पीना चाहिए। पहला प्यार क्या होता है सिर्फ दूसरों से सुना था, वो एहसास मुझे भी हुआ और उसका नाम है नुसरत। आज का इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले राज्यों के सभी जगहों से आए हुए सभी छोटे बड़े छात्रों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। बेटा,
प्रोग्राम शुरू होने वाला है। अरे आ रहा हूँ। स्टेज पर आमंत्रित करता हूँ नुसरत फातिमा बेग जी को, जो कि एक देख प्रोग्राम होने वाला है और डांस भी होने वाला है, फुल ऑन एंटरटेनमेंट होगा। अरे ये कोई प्रोग्राम है, अपना टाइम आने दे, एंटरटेनमेंट क्या होता है ना मैं दिखाऊंगा। चल सुन तो दोस्त, लास्ट टाइम जो कॉलेज में प्रोग्राम हुआ था उसे मैं कभी नहीं भूल सकता, अब की बार भी उसी तरह। थैंक यू। नेक्स्ट कंटेस्टेंट इज अनंत कृष्ण कर्मा कमरा। अरे भाई अब क्रमा, ये अनंतु हाय, बहुत अच्छा गाया तुमने। क्रमाधारी ताया स्टेज पर आइए प्लीज। हाँ हाँ, अरे तेरा नाम पुकार रहे हैं। नाइस सॉन्ग, थैंक यू। इतना बड़ा नाम तो हमारे गांव में चार लोगों का होता है। अनंत कृष्ण क्रमाधारी ताया कम ऑन स्टेज प्लीज। हेलो, बुला रहे हो? क्या कर रहा है? कब से बोल रहा था कि फुल ऑन एंटरटेनमेंट करूंगा, तो आप जा क्यों नहीं रहा है? अगर अभी स्टेज पर गया तो खो जाऊंगा, और अभी खोने का मूड नहीं, और वो इसलिए क्योंकि इस लड़की ने मेरा दिल चुराया है। अनंत कृष्ण आपके लिए ये आखिरी अनाउंसमेंट है, लगता है अनंत अभी यहां नहीं है। हाय, आई एम इन द फाइनल ईयर ऑफ लॉ कॉलेज। हाय, और आप? एक्सक्यूज मी, हां मैं मिलती हूं। ओके बाय बाय। हां बोलिए। अनंत कृष्ण, नुसरत फातिमा बेग, तुम लॉ स्टूडेंट हो? यहाँ पर लॉ स्टूडेंट कैंप ही चल रहा है ना? हाँ, वो तो है। बहुत अच्छा भक्ति गीत गाया है। उस गाने में कितनी भक्ति थी, वो कुछ तो आता है ना, जियाले मिश्किंग। वो भक्ति गीत नहीं है, प्रेम गीत है। ओ, प्रेम गीत है क्या? भक्ति का नेक्स्ट लेवल प्रेम ही तो है। कितने अच्छे बोल है, किसने लिखा है? अमीर खुसरू। अमीर खुसरू ने? मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। व्हाट अ ग्रेट राइटर। उनकी राइटिंग्स को पढ़ने के बाद मैं दूसरी दुनिया में चला जाता हूँ, लेकिन गंदी पॉलिटिक्स की वजह से उन्हें आज तक कोई अवार्ड ही नहीं मिला। वो कभी नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? वो 12वीं सदी के थे और उनको रुखसत हुए 800 साल हो गए। ओह, अब पता चला मिस्टर अनंतु, तुमने उनके बारे में कितना पढ़ा है और कितना समझा है। एनीवेज बाय। उसने जो गाया वो तो समझ में नहीं आया, लेकिन लगता है उसके लफ्जों ने मेरे दिल को छू लिया है। भले ही आसपास 100 लोग क्यों ना हो, पर मैं उसके साथ ही रहना चाहूंगा। मुझे बस उसका साथ चाहिए, यही मेरी ख्वाहिश है। मैं दिल ही दिल में उससे प्यार कर बैठा हूँ। माय डियर लॉ स्टूडेंट, सी वेदर इज इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग, बट हम लोग इसे खराब करते जा रहे हैं। सो पर्यावरण को अच्छे से साफ करने के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। सो गेट रेडी फॉर एरिया क्लीनिंग। ओके। सब लोग अपने काम में बिजी थे, लेकिन मुझे उसे देखने के अलावा और कोई काम नहीं था। तैरना नहीं आए तो पानी में नहीं उतरना चाहिए, यह समझ नहीं पाया, क्योंकि मैं उससे प्यार कर बैठा था। अनंतु, प्यार में गिरते हैं ये तो सुना था, लेकिन कैसे गिरते हैं ये तूने बता दिया। वेरी गुड, ये प्यार तो होने से रहा। ए, लाइफ में पहली बार किसी से प्यार हुआ है, और तू है कि शुरू होने से पहले दी एंड कर रहा है। चांस ही नहीं बेटा, तू अपने नाम को देख, अनंतु कृष्णा क्रमाधारित आया, और उसका नाम नुसरत फातिमा बेग। नहीं नहीं, ये लव स्टोरी बिल्कुल नहीं चलेगी। मेरे पुराने गुरु के सर की कसम खाकर कहता हूँ, ये चलने वाला नहीं है, यही खत्म हो जाएगा। खत्म होगा कि हैप्पी एंडिंग होगी, ये अभी बताता हूँ। ए रुक जा, कहाँ जा रहा है?
अपनी बेगम से मोहब्बत का इजहार करने। अबे सुन, अगर शाम को चिड़िया चहकने के टाइम पर प्रपोज करोगे तो गलत प्रभाव पड़ेगा। कल सुबह की पहली किरण निकलते ही तू जाकर अपने दिल की बात कह देना, शायद तेरा काम बन जाए। ला 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 ला, कबूतर भी आ गया। माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स, अब ये हमारा कैंप क्लोज होने वाला है। हमने बहुत एंजॉय किया। सो एक दूसरे को याद रखने के लिए एक ग्रुप फोटो ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे लिए वो लव कैंप नहीं बल्कि लव कैंप बन गया था। मैं उससे प्यार करता हूँ, ये उससे नहीं कहूँ तो किससे कहूँ। हाय नुसरत। ओह अनंत कृष्णा, तुम यहाँ? वो मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे क्यों? नुसरत मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो क्या है ना, बात कुछ नहीं है पर फिर भी बहुत कुछ है। बताओ। वो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्या? हाँ, किसी को पसंद करने का कोई कारण तो नहीं होता। तुम मुझे बिना किसी कारण के ही पसंद हो। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारी फैमिली कहाँ से है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पसंद करने के लिए थैंक्स, पर मुझे इस बात पर भरोसा नहीं। तुम्हें मुझसे अच्छी अच्छी लड़कियाँ मिल जाएंगी। हर लड़की प्यार होने के बाद और ब्रेकअप होने के बाद यही कहती है, और तुम हो कि पहले से ही यही बोल रही हो। और मुझे तुमसे अच्छी लड़की नहीं चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए। तुमसे मिले मुझे 3 दिन भी नहीं हुए और मैं तुम्हें पसंद करने लगूं? ये कैसे हो सकता है? मैं प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ने वाली। मेरे बहुत सारे सपने हैं जो मुझे पूरे करने हैं। सो ए नुसरत, अब तक मेरी जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं था, लेकिन अब पक्का हो गया है। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूंगा, और ये आनंद नुसरत के आने का इंतजार करेगा। अब तक उसका इंतजार कर रहा हूँ, 7 साल हो गए पर उसकी कोई खबर नहीं, लेकिन वो मिलेगी, इतना भरोसा है। दादी 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 दादी। अरे उधर ही खड़ा रहे। हाँ क्या हुआ दादी? मुझे पता नहीं चलेगा, ऐसा लग रहा था ना। लगता है दादी को पता चल गया। शनिवार आया नहीं कि बस तेरा ये नाटक चालू हो जाता है। अरे मैंने कितनी बार कहा है, मांस मच्छी खाकर घर पे मत आया कर। दादी क्या बात है दादी, भले ही तुम्हारी उम्र जितनी भी हो जाए लेकिन तुम्हारी नाक बूढ़ी नहीं होती। अरे चल दूर हो जा, मुझे छूना मत, तू आज यही सोएगा। दादी एक जवान लड़का अगर सारी रात बाहर सोएगा तो अच्छा लगेगा क्या? वो सब मुझे नहीं पता, सुबह शुद्धिकरण होने के बाद ही मैं तुझे अंदर लूंगी, समझा तू? दादी प्लीज। ये ले, बाहर ही सो जा। दादी सच में मांस मच्छी खाने के भी यहाँ सजा मिलती है, और अगर रॉकी के कहने पर अगर बियर पी ली होती तो आज मैं गेट के बाहर ही होता। दादी और कितना टाइम, देर हो रही है। ये कारनामा जो कल तू मांस मच्छी खाकर आया था ना, तब सोचना चाहिए था तुझे। अगर तुम्हारे दादा भी ऐसा काम करके आते ना तो उनका भी मैं यही हाल करती, छोड़ती नहीं मैं उन्हें भी। उनका भी मैं अच्छी तरीके से शुद्धिकरण करती फिर अंदर आने देती उन्हें। अरे ये किस जन्म का पाप है, बियर पीने के बाद गौमूत्र पीनी पड़ रही है। मैं नहीं पीने वाला। अरे हो गया क्या काढ़ा, जल्दी कर। अरे वो काढ़ा बनाने वाला गौमूत्र लेने गए हैं लेकिन अभी तक वापस ही नहीं आए। क्या हुआ महाराज, ऐसे क्यों बैठे हो? गौमूत्र के लिए बैठा हूँ। ऐसे बैठने से मिल जाएगा क्या? चलो कान पकड़ो।
लो वो आ गए। अरे शंकर, गौमूत्र लाने के लिए इतना टाइम? ये क्या दूध है मम्मी, जब मन किया तब निकाल कर ले आए। अरे बाप रे, लेकर आ गए। तुम सास बहू को रोज फ्रेश गौमूत्र चाहिए हो तो कल्याण हो जाएगा। आज सवेरे मैं आगे से घूम के आ गया, कहीं भी मुझे एक भी गाय नहीं दिखाई दी। और थोड़े दिन हो गए ना, तो बैंगलोर में गौमूत्र मिलना मुश्किल हो जाएगा। अब हमें किसी तबेले के बाजू में प्लॉट लेकर गाय पालनी पड़ेगी, तभी गौमूत्र मिल पाएगा। हाँ तो क्या, शुद्धिकरण के बिना कैसे आने दे? हर वक्त इसे काढ़ा लाकर देती रहोगी ना, तो जब तुम्हारी बहू घर पर आएगी तो उसकी हालत क्या होगी, गोविंद जाने। अगर वो आती है और उसको शुद्धिकरण का पता नहीं होगा तो उसे मैं तुलसी के पास तक जाने नहीं दूंगी, बता देती हूँ आपको। अच्छा अम्मी, तुम अब्बू से इतना प्यार करती हो, अब्बू को छोड़कर रह नहीं सकती हो, पर फिर भी अकेले रह रही हो। गुस्से में एक बात क्या निकली, सारा प्यार खत्म हो गया और बस अलग अलग हो गए। बोलो ये क्या अच्छी बात है? क्या करे बेटी, अब मेरा नसीब ही ऐसा है। ये कोई नसीब नहीं है, बल्कि आपकी नासमझी है। ये नासमझी हमारी नहीं है बेटी, ये नासमझी तुम्हारे अब्बू की है। मन में आया और बस तीन बार तलाक 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 बोल दिया। अब देखो वो अकेला है और तुम्हारी अम्मी भी, और अब इन दोनों को मिलाने के लिए तू लगी है। नहीं दादू, उस टाइम पर अगर अब्बू ने गुस्से में तलाक दे भी दिया हो तो सही भी किया जा सकता है, तो बोलो उसमें प्रॉब्लम ही क्या है? आज के बाद तुम अपनी जुबान पर ऐसी बात फिर कभी नहीं लाना। एक बार तलाक देने के बाद उसके नियम पालने पड़ते हैं, और ये बात हर मुसलमान अच्छी तरह जानता है। इसीलिए तुम्हारे अब्बू और अम्मी राजी हैं। तुम कानून पढ़ी होगी, लेकिन वो सब इंसान ने बनाया है, लेकिन हम लोग अल्लाह के बनाए हुए कानून को मानते हैं, और वो कभी बदला नहीं जाएगा। अम्मी, मैं अब्बू के घर होकर आती हूँ। ठीक है बेटी। अब्बू आओ बेटी आओ। अम्मी ने आपके लिए बिरयानी भेजी है। बहुत प्यार से बनाई है आपके लिए। वो जो प्यार दिखाती है हर समय मुझे दिखता है। इस तरह इतना दूर रहने के बाद भी मुझे दुख होगा पता होता तो मैं उसे तलाक नहीं देता। अब्बू, अम्मी ने इतने प्यार से आपके लिए गरम गरम बिरयानी बनाई है और आप अभी भी पुरानी बातें लेकर बैठे हो। छोड़िए ना अब्बू। अब्बू, कल से मेरे सपनों का काम चालू। गुड। सब अच्छा होगा बेटी। शुक्रिया अब्बू। खुदा तुम्हें सलामत रखे। ठीक है अब्बू, अब मैं चलती हूँ, ख्याल रखिए। वकील साहब हैं? हाँ, अंदर ही है सर। कैसी हो तुम? गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार वकील साहब। अरे नमस्कार सर। ओहो, क्या भाई,
ऐसा लगता है कि मेरे केस की फुल स्टडी चल रही है। आपके केस में देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, आपका केस क्लोज हो गया इसलिए बंद कर दिया। वो सब छोड़िए वकील साहब, आपने हमारे पिछले 12 केस एकदम आराम से जीते। ये 13वां है और ये नंबर खतरनाक होता है, इसीलिए मुझे टेंशन है। अरे क्या सर, आप भी पुराने लोगों की तरह बात कर रहे हैं। आप बस देखिए, बड़े बड़े अक्षरों में न्यूज आएगी कि किस तरह मैंने केस को चुटकियों में सॉल्व कर दिया। आप बस आराम से बैठिए और देखिए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अब ये केस जल्द से जल्द खत्म हो जाए, इसके लिए मैं देवी माता से प्रार्थना करता हूँ और उसके बाद मैं जल्द से जल्द MLA बन जाऊँ, ताकि मेरा सरकारी बिल्डिंग पर जो कब्जा करने का सपना है उस पर कोई पानी ना फेर सके। अरे आप टेंशन मत लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको विधानसभा तक पहुंचा कर रहूंगा। आप बस रिलैक्स रहिए, ये मेरी गारंटी है। आप प्रेशर मत लीजिए। आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं MLA बन गया हूँ। हाथ दो अपना हाथ दो। वकील साहब, इसी खुशी में मैं आपको एक और केस देना चाहता हूँ, प्लीज मेरा हाथ मत छोड़ना। आप मुझे बिजनेस दे रहे हैं तो मना करने का सवाल ही नहीं उठा, काम बताइए। वकील साहब, इस केस को एक बिजनेस की तरह ही समझना है आपको, ये मेरी पर्सनल बात है। मैंने अपनी बहन को मना किया, फिर भी उसने प्यार के चक्कर में पड़कर शादी कर ली और 1 साल होने के बाद ही कह रही है कि मुझे वो पति नहीं चाहिए। वकील साहब, मेरी बहन अपनी जिंदगी से बहुत दुखी है, उसे लगता है कि वो एक कैदी का जीवन जी रही है। अब आप कुछ भी करके उसके पति से उसे छुटकारा दिलाइए। डिवोर्स? सॉरी अध्यक्ष जी, मैं डिवोर्स के केसेस नहीं लड़ता। ऐसा मत बोलिए वकील साहब, हम दोनों भाई बहन एक ही माँ के पेट से जन्मे हैं और मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। अब अगर वो घर वापस आना चाहती है तो भला मैं कैसे मना कर दूं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी बहन का डिवोर्स मत कराइए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैं नहीं कर सकता। अब भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए, आप कुछ भी करके ये केस ले लीजिए प्लीज। नहीं अध्यक्ष जी, डिवोर्स के केसेस के लिए मुझे फोर्स मत कीजिए। अब वकील साहब, एक बार आप इस पे विचार तो कीजिए। अध्यक्ष जी, मुझे अभी बहुत काम है, मैं आपको बाद में कोर्ट में मिलता हूँ। मिलता हूँ मैडम जी, फिर आऊंगा। ओके सर। क्या सर, हमारे कर्ता धर्ता परेशान लग रहे हैं, रातों रात नदी का डैम टूट गया है, ऐसी खबर आई है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, इनके घर की नदी जो आगे निकल गई है वो अब वापस आना चाहती है। मतलब इनकी बहन को अब डिवोर्स चाहिए, मैंने केस लेने से मना कर दिया इसीलिए बुरा मान के चले गए। ये क्या किया सर, रेगुलर क्लाइंट है, आपको केस लेना चाहिए था। देखो, इतने सालों से मैं लॉ प्रैक्टिस कर रहा हूँ लेकिन डिवोर्स केस की प्रैक्टिस मुझे अब तक नहीं है, ये तो तुम्हें पता ही है। पता है सर, आप तलाक के केसेस नहीं लेते हैं, लेकिन क्यों नहीं लेते हैं ये नहीं पता। मेरी फैमिली कोर्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या सर, आपकी फैमिली का मैटर तो कुछ ज्यादा ही लग रहा है। सही बात है, BCOM के बाद जब से लॉ सीखना चाहता था तब से। साइंस पढ़ने के लिए कहा तो कॉमर्स पढ़ता हूँ बताया, ठीक है बेटा बैंक ऑफिसर बनेगा, CA बनेगा ऐसा सोचा था, LLB पढ़ूंगा ऐसा बोल रहा है। पापा प्लीज, पापा मना मत कीजिए। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, कोई भी कारण से कोई भी तलाक का केस अपने हाथों में मत आने देना, फैमिली कोर्ट का केस अपने हाथ में मत लेना, तलाक का केस छूना भी नहीं, ऐसा वादा करो। ठीक है पापा। क्या सर, फ्रॉड केस, चोरी का केस, मर्डर का केस लेते हैं, तलाक का केस क्यों नहीं लेते हैं आप? टूटा हुआ केस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पति पत्नी के रिश्ते को तोड़ने का केस मैं कभी नहीं लूंगा। हम हर केस लेते हैं सर, फिर ऐसी केस लेने में क्या दिक्कत है सर? इस बात पर आपके पापा दिमाग क्यों लड़ाते हैं सर? मेरे पापा के दिमाग में ये बात चलती रहती है। एक बार हुआ यूं, एक आदमी और एक औरत की किस्मत भगवान लिखते हैं, कुंडली देखकर, भाग्य मिलाकर, खून मिलाकर, उन दोनों को जोड़ने का काम है मेरा, पैसे के लिए मैंने कभी काम नहीं किया, आत्मा की तृप्ति के लिए मैं ये काम करता हूँ, मैं इतनी मेहनत से रिश्ता जोड़ता हूँ और आप दोनों हैं कि तलाक चाहते हो, क्यों भाई? अरे महाराज, ये तो मेरी बात ही नहीं सुनती है। हाँ तो ये भी मेरी बात कहाँ सुनते हैं? आप दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुनते हो, ये समस्या नहीं है, छोटे मोटे केस के लिए तुम्हारे दिमाग में एक वकील घुस गया है ना, ये समस्या है। तुम्हें पता है कि तलाक ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है, 2 जिंदगियों को आपस में मिलाना ये धर्म का काम है, दोनों को अलग कर देना ये पाप का काम है।
अच्छा तो उन्हें लगता है कि वो जो रिश्ते बना रहे हैं कहीं आप ना तोड़ दे। तोड़ने जोड़ने के लिए जिंदगी मैच नहीं है, एक पति पत्नी के रिश्ते में प्यार सबसे ज्यादा जरूरी है। आपका कहना सही है सर, लेकिन आप एक वकील हैं, केस सॉल्व करना तो हमारा काम ही है ना। जीतने हारने में तो मेरे पापा का मैच ही सही है, वो इसलिए क्योंकि दूसरे केस में कोई हारता है तो कोई जीतता है, लेकिन डिवोर्स केस में दोनों ही हारते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता। देखो ड्रिंक एंड ड्राइव केस में 800 रुपए फाइन है, उसके बाद मेरी फीस, कोर्ट का टाइम, कोर्ट का खर्च, ये सब कुछ देने से अच्छा है दारू पीने के बाद कैब में बैठकर चले जाना चाहिए ना। सर कैब में ही गया था मैं। कैब में ही गया था? हाँ सर। तो ये केस तुम पर कैसे लगा? सर कैब ड्राइवर मैं ही हूँ सर। ठीक है ठीक है, मेरी फीस दो सर। ठीक है सर। ए, चाय का पैसा तो देके जा। सर चाय पी के निकल जाओ आप। अरे सुन खाते में लिख लेना। मुझे पता था। आज तक मुझे किसी केस में डर नहीं लगा, लेकिन इस केस में मुझे डर लग रहा है वकील साहब। आज केस की फाइनल हियरिंग है, केस हम ही जीतेंगे ना? 100%। लक्ष्मी सारे गवाह रेडी है ना? सब रेडी है सर। अध्यक्ष जी कोर्ट के अंदर मैं जो कुछ भी कहूंगा आप सिर्फ हाँ में जवाब देना। आप उसकी फिक्र मत करो वकील साहब, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, लेकिन सामने वाला वकील बहुत बड़ा है इसी बात की टेंशन है मुझे। उसकी किस्मत बहुत अच्छी है और सब जानते हैं कि आज तक उसने एक भी केस नहीं हारा है। हे भगवान मुझे बचाइएगा, अब आपका ही सहारा है प्रभु। नमस्कार वकील साहब। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। जल्दी चलो। ऐसे देख रहा था जैसे हमें कच्चा चबा जाएगा। क्यों इतना टेंशन लेते हैं, चलिए। केस नंबर 486 वर्क 2018 कमलेश भट्ट वर्सेस जय भुवनेश्वरी सोसाइटी। स्वामी राजमार्ग के आसपास मेरे ख्याल से 100 मीटर का बफर जोन होना चाहिए। उस बफर जोन में अनाधिकृत कामगार आईपीसी की धारा 440 के अनुसार एक अपराध होता है। इस तरह की जगह पर ये भाई साहब ने एक बड़े स्कूल के भवन का निर्माण करवा दिया और वहाँ पर ये बिजनेस कर रहे हैं। आप ही बताइए जज साहब, ये बात गलत है कि सही है? सर मैं गरीबी में पला, मेहनत मजदूरी करते जिंदगी गुजर गई और स्कूल भी नहीं गया। मेरी परिस्थिति जैसी थी वैसी किसी की नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैंने 20 करोड़ खर्च करके स्कूल बनवाया और आप कहते हैं बिजनेस कर रहा हूँ। ये बिजनेस ही है, इसे बिजनेस कहते हैं। मैंने अपने खुद के बेटे को LKG में दाखिला कराने के लिए करीब 2,11,000 रुपए की राशि डोनेशन में दी है। इतनी परेशानी के बावजूद पुराने जमाने में मैंने इतने में पूरी LLB कर ली थी। अब जज साहब आप इसे सार्वजनिक काम या फिर समाज सेवा समझे, इसका फैसला मैं आप ही के ऊपर छोड़ना चाहूंगा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, बिजनेस का नाम देकर पढ़ाई का अपमान कर रहे हैं मेरे काबिल दोस्त। मेरे क्लाइंट माननीय अध्यक्ष जी ने कोई भेदभाव किए बिना गरीब बच्चों को भी बराबर की शिक्षा मिले, इसीलिए उन्होंने 40% सीट गरीब बच्चों को दिलवाया है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसी के हैं। अब मैं उन सारे गरीब बच्चों के माँ बाप को कोर्ट में बुलाना चाहूँगा सर, आपकी परमिशन चाहिए। परमिशन ग्रांटेड। बोलिए सर आपने कितने लाख फीस में दिए हैं? 1 रुपए भी नहीं दिए सर, ये तो हमारे लिए देवता क्या है। शानदार एक्टिंग कर रहा है। हाँ सर ये सही कह रहे हैं, हम लोग इन्हीं की वजह से तो आज जिंदा है। जज साहब इनके जितने भी लोग यहाँ पे गवाही देने के लिए आए थे ये सब 1 नंबर के झूठे हैं। तुम्हारे पास कोई सबूत है? जिसे आंखों से दिख रहा हो उसे आईने की क्या जरूरत है जज साहब। देखिए ये जो औरत है ये छोटी मोटी पिक्चरों में काम करने वाली जूनियर आर्टिस्ट है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है इसे। और वो बाजू में जो चाचा खड़े हैं उन्हें उनके सीरियल वाले छोड़ने को ही राजी नहीं है। ये सब पिक्चरों में काम करने वाले जूनियर आर्टिस्ट है सर, और ये औरत ये सीरियल में हीरोइन की माँ का काम करती है। मेरी बात मानिए, सब लोग जूनियर आर्टिस्ट है जज साहब, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आप चाहें तो मैं इस बात को साबित भी कर सकता हूँ। थैंक यू। अनंत कृष्णा के सारे गवाह झूठे हैं, इस केस पर रोशनी डालेंगे। देखिए जज साहब ये सब जूनियर आर्टिस्ट ही हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये नहीं है,
पर वो भी मेरे और आपकी तरह एक इंसान ही है और वो भी गरीब है। एक दिन शूटिंग में जाते हैं तो 500 रुपए मिलते हैं, शूटिंग 10 दिन होती है तो 20 दिन नहीं होती, और उसके बाद घर का खर्च, ये खर्च, वो खर्च, बहुत सारे खर्च होते हैं, उसमें से एक खर्च स्कूल फीस भी है। तो क्या इनके बच्चों को पढ़ाई का कोई हक नहीं है? और ऐसे ही लोगों की मदद कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष साहब। हाँ साहब, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। ये सब झूठे गवाह कैसे हो सकते हैं? जज साहब, अनंत कृष्णा को मूवी का डायरेक्टर होना चाहिए, गलती से वकील बन गए हैं ये। अब तक सीडीआई की इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि इनके करीब 193 कॉलेज बन चुके हैं और उनमें से करीब 300 कॉलेज ऐसे हैं जिसके लिए बिल्डर ने अधिकारियों को घूस दे देकर सरकार की नाक में दम कर रखा है। उन सारे कॉलेजेस में से कौन सा कॉलेज गलत है और कौन सा सही है, इस बात के लिए सरकार ने पूरी खोजबीन शुरू कर दी है। प्रूफ के तौर पर जज साहब, मैं ये पेन ड्राइव लेकर आया हूँ, लगाओ जरा, लेकर के दिखाओ। जज साहब ये देखिए, ये हमारे अध्यक्ष साहब का स्कूल है और ये देखिए, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये स्कूल हाईवे के बीचों बीच, देखिए बीचों बीच बना हुआ है। वहाँ से जो आने जाने वाले लोग हैं उनकी असुविधा को देखते हुए, माय लॉर्ड, मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस स्कूल को वहाँ से हटा दिया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। अनंत कृष्णा, तुम इस बारे में कुछ कहना चाहोगे? यस योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त जल्दबाजी में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भूल गए हैं। योर ऑनर, पी मतलब प्रोविजनल, मतलब तत्कालिक। अगर आप ध्यान से नक्शे में इस जगह को देखें तो समतल जमीन में और आजू बाजू के गांव के हिसाब से पुराने नक्शे में बीच का महामार्ग था ही नहीं। आजू बाजू के गांव के हित के लिए राजमार्ग अगर बनाना है तो बनाना चाहिए, क्योंकि ये सब सोच समझ के बनाया गया है गांव के हित के लिए। पहले इस इलाके में पानी की बहुत समस्या थी और इसलिए यहाँ पर हाईवे की कोई जरूरत नहीं थी। मेरे क्लाइंट माननीय अध्यक्ष जी ने कानूनी तौर पर पूरे पैसे देकर ये जमीन खरीदी है और सारे अप्रूवल्स के साथ ये स्कूल बनाया है, और उससे भी ज्यादा इन गरीब बच्चों को शिक्षा की बहुत जरूरत है और इसलिए इस स्कूल को लीगल तौर पर प्रमाण दिया जाए, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। थैंक यू योर ऑनर। तमाम गवाहों के बयानात और सबूतों के आधार पर और दस्तावेजों पर गौर करने के बाद अदालत अपना ये फैसला सुनाती है कि गवलिंग स्वामी की जय भवानी एजुकेशन सोसाइटी को लीगल करार दिया जाता है। क्या बात है वकील, तुम तो मेरी नजरों में हीरो हो गए। मैडम जी, चलता हूँ। बहुत बढ़िया, मेरी अच्छा किया उन्होंने। सर, आप तो केस हार गए, बुरा लग रहा होगा ना? आज के बाद इस कोर्ट में कोई भी वादे नहीं करूंगा, जाकर किसी और को असिस्ट करो, जाओ। अब आप क्या करेंगे सर? वकील साहब, मैं ये सोचकर बहुत डर रहा था कि शायद मैं ये केस हार जाऊंगा, लेकिन आपने सब कुछ मैनेज करके मुझे जिता दिया। अब मुझे एमएलए की टिकट जरूर मिल जाएगी। अच्छी बात है। वकील साहब, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ देना चाहता हूँ, क्या चाहिए बताओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए अध्यक्ष जी, हमने कोर्ट में बहुत सारे झूठे गवाह पेश किए। गवाह झूठे थे पर बात झूठी नहीं थी। आप जहाँ स्कूल बना रहे हैं वहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं, उन गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाइए, मुझे यही चाहिए। अरे उस एरिया का ही नहीं, अगल बगल के सारे बच्चों को मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। सर, कम से कम 300 बच्चे हैं, हमें घाटा होगा। ए, वो घाटा नहीं है, मुनाफा है। बैंक में पैसे जाए या ना जाए, लेकिन मेरा वोट बैंक बढ़ता ही रहे। पॉलिटिकल करियर में आगे बढ़ने के लिए यह सबसे अच्छा आइडिया है। वकील साहब, तुमने जैसा बोला है ना, मैं यहाँ के सारे बच्चों को फ्री में पढ़ाऊंगा। अब लेकिन मैं तुम्हें भी कुछ देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, सच में। मैं जानता था तुम नहीं मानोगे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम मेरे दिल में हो। कहाँ हो? दिल में। अब जल्द से जल्द दूसरे वकील को पकड़कर अपनी बहन का तलाक करवा दूंगा। हाँ ठीक है, करवा लीजिए। वकील साहब, तलाक हो जाने के बाद मैं अपनी बहन की शादी तुमसे ही करवाऊंगा। अगर तुम साथ में रहोगे तो मैं एमएलए क्या,
सीएम भी बन जाऊंगा। वकील साहब, उस लड़के ने मेरी बहन को सिर्फ मंगलसूत्र पहना है, उन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, बाल बच्चे भी नहीं है। तुम उसके बारे में कोई टेंशन नहीं लेना, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा। अब वकील साहब, वकील साहब, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे। अध्यक्ष जी, मुझे मंजूर है, आप जल्द से जल्द डिवोर्स करवाइए, मुझे एक जरूरी काम है, मैं चलता हूँ, बाय। चलो। क्या रे अनंतु, इतना बड़ा केस जीत गया है, तू खुश क्यों नहीं है? बात क्या है आखिर मेरे भाई? नहीं, कोई बात नहीं है। वैसे वो लड़की जज है क्या? लड़की कौन सी? वो फैमिली कोर्ट में आकर जज बनी है, उसकी बात कर रहा है? हाँ। पेपर नहीं पढ़ता है तू? नुसरत फातिमा बेग बहुत छोटी उम्र में जज बनी है, पेपर में नाम आया है, सब जगह फेमस है। बड़े बड़े केस जीते और छोटी छोटी बातें ध्यान में नहीं रखते हो। छोटे उस्ताद, तुम्हारा टिफिन खाली हो गया है क्या? हाँ, एकदम खाली है। अनंतु, मैं आऊंगा करके तुमने खाना नहीं खाया और मेरा इंतजार भी कर रहे थे, ग्रेट दोस्त। एक बात सुन, मैंने आज नुसरत को देखा। क्या, नुसरत को देखा? हाँ। कहाँ? फैमिली कोर्ट में यार, वो जज बन गई है। जज? अब हो गया कल्याण। मैंने कहा था ना कि ये तेरा लव मैटर आगे काम नहीं करेगा। नॉर्मल लड़की को पटाना इतना मुश्किल है आज की डेट में, और ऊपर से तू जज को पटाएगा? हो ही नहीं सकता। क्यों, जज है तो क्या हुआ? जो कोर्ट में है वो दिल में नहीं आ सकती, ये कोई कानून है क्या? हाय। मैं कौन हूं तुम्हें पता है? इसमें नया क्या है? मुझे पता है कि तुम एक वकील हो। बताओ तुम्हें क्या काम है? मैं अनंतु, अनंत कृष्णा क्रमधारित आया, वही 2011 लॉ कैंप। तुम्हारा गाना कुछ याद आया? याद आया। तुम भी इसी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो? हाँ, इतनी छोटी सी उम्र में तुम जज बन गई हो, इसीलिए तुम्हें विश करने के लिए आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू बेटी। शुक्रिया अबू। मैं तुम्हें और तुम्हारी अम्मी के प्यार को बहुत मिस करता हूँ, तुम्हें पता है। तुम लोगों की खुशी और दुख में मैं कभी शामिल नहीं हो पाया, और उसी बात को ध्यान में रखकर तुमने अपनी मेहनत से ये कामयाबी पा ली। शाबाश बेटी। मेरा इतना ही लक्ष्य है अबू कि मेरे जैसे बच्चों के मन में माँ बाप के लिए कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। ऐसे बच्चों के भविष्य के लिए कुछ अच्छा हो सके, बस इसलिए मैं जज बनी हूँ, यही मेरा लक्ष्य है। तुम जरूर कामयाब होगी, खुदा की दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है।
वत्सला, गुरु मूर्ति राय की पहली बेटी की कुंडली आई है। हमारे अनंतु की जन्म कुंडली से कितनी मेल खा रही है वो देख रहा हूँ। पूरे 28 गुण मिल रहे हैं। इस शनिवार लड़की देखने के लिए बुलाया है। आपको पता है मेरे उम्र के लड़के वीकेंड पर फिल्म देखते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, और एक मैं हूँ जो हर वीकेंड लड़की देखने जाता है। मम्मी देखो, इसके बाद मैं कोई लड़की नहीं देखूंगा। क्या हुआ अनंतु, लड़की देख देख कर परेशान हो गए हो क्या? परेशान मत हो बेटा, मुझे देखो, मैंने तुम्हारी मम्मी से शादी करने से पहले 90 लड़कियों को देखा है। हाँ, एक से बढ़कर एक लड़की थी यार। इतनी खूबसूरत लड़कियों को देखने के बाद मैंने तुम्हारी माँ को देखा और वो मेरी जिंदगी में आ गई। कितनी लड़कियों को देखा वो जरूरी नहीं है, किसके साथ रिश्ता जुड़ता है वो जरूरी है। रिश्ते हमेशा ऊपर से जुड़कर आते हैं। अच्छा, आप कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं, तो हम लड़की क्यों ढूंढ रहे हैं? जिसे मिलना है वो अपने आप मिल जाएगी। बेटा, जोड़ी तो ऊपर वाला ही बनाता है, वो हमें मिलना चाहिए और उसे ढूंढने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करना चाहिए, जोड़ी बनाता है ऊपर वाला, पर हमारा भी प्रयत्न जरूरी है। पैदा करने वाला घास भी बनाता है और वो घास भी देता है, लेकिन खाने के लिए उसके पास जाना भी पड़ता है। तो बस यही तो प्रयत्न करना है। अगर ऐसा है तो मैं नुसरत को पाना चाहूंगा, मेरा उसके पास रहना जरूरी है। ठीक है, ये प्रयत्न आप कीजिए, मेरा प्रयत्न मैं करता हूँ। ए अनंतु, ये घर की बनने वाली बहू किसकी किस्मत में है पता नहीं। कुछ भी हो जाए, इस घर की बनने वाली बहू आपके लाए हुए इतने सारे रिश्तों में तो नहीं है। क्या कहा इसने? कुछ भी बोलने का और सुनने का टाइम नहीं है। हाय राम। हमें ये बात वकील को बतानी होगी। सर, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। हेलो वकील साहब। बोलिए अध्यक्ष जी, आपकी आवाज़ सुन के तो लग रहा है बहुत खुश हैं। हाँ, सही कहा तुमने, एक तो केस जीतने की खुशी और दूसरी मेरी बहन बैग लेकर सीधे घर आ रही है उसकी खुशी। अरे मेरी बहन को तलाक दिलाने वाला वकील मिल गया है। मिल गया का क्या मतलब है, इंसान अगर कोशिश करे तो क्या नहीं मिल सकता। वो सब ठीक है, आपकी बहन का डिवोर्स हो रहा है, आप इतने खुश क्यों हैं? अरे भाई, एक वकील तलाक दिलाने के लिए तैयार हो गया और दूसरा वकील शादी के लिए तैयार हो गया तो खुशी तो होगी ना। मैं नुसरत से प्यार करता हूँ, ये बात इसे कैसे पता? अध्यक्ष जी, शादी के लिए सिर्फ जोड़ी जरूरी नहीं है, इंसान का कोशिश करना भी जरूरी है और वो कोशिश मैं भी करना चाहता हूँ। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात। और उसी कोशिश के लिए मैंने अपनी बहन के तलाक का केस सत्यमूर्ति को दे दिया है। आपको कोई परेशानी तो नहीं ना? मुझे क्या परेशानी होगी, आपने ये केस सत्यमूर्ति को दिया है, इसका मतलब है कि ये केस जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा, ये तो गारंटी है। और आपकी बहन को जल्द से जल्द तलाक मिल जाएगा। मैं तो बस यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी बात देवी माता सुन ले। सुन लेंगे। ए दोस्त, जो बात कर रहे थे ना इंसान की कोशिश की, मुझे दो ना, मैं भी कोशिश करूँगा। केस चाहिए या उसकी बहन? मुझे नुसरत के साथ रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अरे नहीं, ये तो बेकार है, कुछ और करना पड़ेगा। नहीं, ये भी नहीं चलेगा। हे भगवान, तू ही कुछ रास्ता बता।
मेरे पास ये काला कोट है तो मैं दूसरा रास्ता क्यों ढूंढूं? लेकिन एक शर्त है, कोई भी कारण से कोई भी तलाक का केस अपने हाथों में मत आने देना। फैमिली कोर्ट का केस अपने हाथ में मत लेना। तलाक का केस छूना भी नहीं, ऐसा वादा करो। पापा, यहाँ क्यों बैठे हो? हाँ? घर के अंदर क्यों नहीं बैठे? कुछ परेशानी है क्या बेटा? नहीं कुछ नहीं पापा, कुछ सोच रहा था, कंफ्यूज्ड हूँ, करना चाहिए या नहीं। ज्यादा परेशानी है क्या? कुछ नहीं पापा। ओ वकील साहब, तुम हमारे रहस्य छुपाते हो और मुझे तुम्हारा रहस्य नहीं छुपाना चाहिए। रहने दो बेटा, छोड़ो, अब मैं इसके बाद नहीं पूछूंगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, तुम किसी भी बात को लेकर कंफ्यूज मत हो। तुम्हें जो सही लगता है वही करो। हाँ, तुम्हारा उद्देश्य सही होना चाहिए, बस। वो सब ठीक है, पर मेरे विचार से अगर किसी को परेशानी हुई तो? इसीलिए कह रहा हूँ, तुम्हारा उद्देश्य सही रहना चाहिए। ये जीवन एक योद्धा की तरह होता है, यहाँ जीने का एक ही मकसद है। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो ठीक होना चाहिए। ये बंधन, ये संबंध, इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। ये जो तुमने किया है ठीक है या बुरा है, ये आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुन। देवी देवता, ये जिसकी हम भक्ति करते हैं वो भगवान बोल रहे हैं, गीता में ऐसा ही लिखा है। तुम जो भी उपाय सोचोगे वो ठीक ही रहेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वही करो। सर नमस्ते। नमस्ते। आप जो फैमिली कोर्ट में केस हैंडल कर रहे हैं, कौन सा? वो सिद्रा और रक्षा का। उस केस को मैं हैंडल कर सकता हूँ क्या? क्या भाड़े के बर्तन में खाना बन रहा है तो थोड़ा सा मिलेगा इसी आस रखते हो क्या भाई? सिविल और क्रिमिनल छोड़कर आप मेरे पेट पे लात मारना चाहते हो? कमाल करते हो भाई, 3 साल से वो केस चल रहा है, मैं यहाँ नहीं हूँ तो सही जा रहे हो। मैडम, मैं वकील अनंतु बोल रहा हूँ। हाँ, बोलो। वो नुसरत फातिमा बेग के कोर्ट में MC 486/2016 केस चल रहा है। हाँ हाँ। उस केस को मैं हैंडल करना चाहता हूँ, वो केस मुझे देंगी? आप एक वकील होकर ऐसे कैसी बात कर रहे हैं? आप बोल दो और मैं केस दे दूँ आपको। ठीक है, छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए। ये लीजिए साहब, आपका नारियल पानी। लाओ दो। हेलो, एडवोकेट लोकेश बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। सर मैं अनंतु बोल रहा हूँ, एडवोकेट। कोर्ट नंबर 17 में आपका केस चल रहा है। हाँ। वो केस बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप हाँ कहो तो वो केस मैं लेना चाहता हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, फीस आप ही रखिए, उन दोनों को एक करने की जिम्मेदारी मेरी। ओहो गुरुजी, वो मेरा चौथा केस है और उसमें मैं निजी रूप से इन्वॉल्व हूँ। इसके बीच में जो भी आएगा उसे मैं अच्छे से देखूंगा, समझे? चल रख। हेलो सर। हेलो, मैं तो सिर्फ केस मांग रहा था, ये चौथा केस क्या है? नमस्ते सर। नमस्कार, बैठो अनंतु, बैठो अनंतु, बैठो। हाँ क्या अनंतु, परसों के दिन बहुत बड़ा केस जीता है, सुनकर बड़ी खुशी हुई। सब आपका आशीर्वाद है सर। मेरा कैसा आशीर्वाद अनंतु, तुम्हारे दादा का आशीर्वाद है, एकदम देवता जैसे इंसान थे, अभी तक मैं उनको याद करता हूँ। वो सब रहने दो, बात क्या है? कुछ नहीं सर, मैंने आज तक डिवोर्स केस हैंडल नहीं किया है, एक बार मैं वैसा केस हैंडल करना चाहता हूँ, इसीलिए आपके पास आया हूँ। क्या आप एक केस मुझे दे सकते हैं? हाँ हाँ दूंगा, बिल्कुल दूंगा। सर वो MC 1837/2018 केस जो है, क्या वो केस मैं हैंडल कर सकता हूँ? हाँ अच्छे से हैंडल करो। सुरेशा। हाँ सर। MC 1837/2018 फाइल है ना? हाँ। वो लेकर आओ जरा। ओके सर। सर ये लीजिए। हाँ ठीक है, देखो ये वही फाइल है, अच्छे से देख लो फिर बहस करो। थैंक यू सर। बार बार थैंक यू मत बोलो, डू वेल। श्योर सर, चलता हूँ। टाइम अगर खराब हो ना तो ऐसा ही होता है, कुछ नहीं कर सकते। बैठ जाओ आराम से। बैठ 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 बैठ।
भाई ये सुट्टा उट्टा मारते हैं क्या? फूल अच्छा, मारते हैं। दो फूल पिला दो, आगे पीछे का दर्द पूरा चला जाएगा। ठीक है सर। क्या मारा है, पूरा थोड़ा बिगाड़ दिया है। अम्मा, आई लग गई। क्या है ये सब, हॉस्पिटल ले जाने के बदले इसे कोर्ट क्यों ले आया? अरे भाई ये बहुत बड़ी कहानी है। सगाई हुई लड़की को ये लाइन मार रहा था तो उसके माँ बाप ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी और पुलिस वालों ने इसकी जमकर धुलाई कर दी। बेचारे के बॉडी का नक्शा बिगाड़ दिया है। अभी जमानत देकर इसे छुड़ा कर लेकर आया हूँ। अब जो भी होगा अस्पताल में होगा। सगाई हुई लड़की पर कभी आँख नहीं डालनी चाहिए। सगाई हो गई तो मानो आधी शादी हो गई। देखो अगर ये लड़की तुम्हें नहीं मिली तो इससे भी अच्छी लड़की मिलेगी और मिलते ही शादी कर लेना। घबराओ मत। समझ गए ना? चलता हूँ। ओके बाय। बाय। निसार यहाँ आओ। हाँ दादू अभी आया। मेरा काम तो हो जाएगा। अरे आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपका काम हो गया समझो। ए भाई किधर है? अभी अभी अंदर गए सर। अरे ऐसे क्यों दौड़ रहा है? अपना काम कर जा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने बहुत अच्छा काम किया। भाई हाँ। भाई अच्छा भाई क्या हुआ? वो अनंतु ने बोला था ना कि वो आपकी बहन का केस नहीं लेगा। अभी तलाक का केस लिया है उसने। और वो किसका है पता है? आपकी बहन के पति का। आपके पूछने पर बोला कि तलाक का केस नहीं लेगा और अब वो वही कर रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ भाई। भाई एक बार आप हाँ बोल के तो देखिए, मैं इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। भाई मुझे पहले से उस पर शक था। चलो रे। इधर आ। बोलो भाई। मैं समझ गया, मेरा वकील बहुत दिमाग वाला है। वो जानता है कि अगर कोई दूसरा वकील केस लेगा तो तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलता रहेगा और उसकी शादी की तारीख भी आगे बढ़ जाएगी। इसीलिए इस तलाक के केस को वो खुद ही हैंडल कर रहा है। बहुत दिमाग है तेरे पास। इसीलिए देख वो कहाँ है और तू कहाँ है। चल निकल। सब बढ़िया। अरे मेरी बारी। क्या कर रहे हैं? हे हाय। मुझे 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 से बराबर टाइम से लेना, जल्दी ठीक हो जाए। चलता हूँ। और चाचा क्या हाल चाल है? देखिए साहब अभी तक तो मैं ठीक ही हूँ। अभी आपकी सेकंड इनिंग्स है, फुल जोश के साथ खेलिए। बाकी मेडिसिन मैं देखता रहूंगा, बस आप टाइम से लेते रहिए। जैसा आप ख्याल रखते हैं, मेरे बच्चे ख्याल रखते तो मैं बहुत अच्छा रहता। आप हम जैसे गरीबों का ख्याल रखते हैं ये देख कर हमारे मन से आपके लिए दुआ निकलती है। दादा डॉक्टर हूँ, डॉक्टर का काम कर रहा हूँ। आपकी दुआ मिलती रहे इसके लिए काम नहीं कर रहा हूँ। अपना कर्तव्य मैं अच्छे से समझता हूँ। आप अपना ख्याल रखिए, ऊपर वाला मुझे देखेगा। ठीक है चलता हूँ साहब। अच्छा चलिए आइए बैठिए। अबू सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम सलाम। आओ बैठो बैठो। नुसरत अभी खाना ही बना रही है बेटा, तुम खा के ही जाना। हाँ तुम बैठो, मैं खाना लेके आती हूँ। हाँ। और सुनाइए कैसे हैं दादू? मैं तो ठीक हूँ, तुम्हारा दिन कैसा रहा? हाँ
बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम बेटा। तुम वहाँ से यहाँ आए और एक मिनट भी बिना गवाए कैंप सर्विस करके बहुत अच्छा काम किया। सर्विस कहने से ज्यादा मैं इसे अपना पैशन कहूंगा। अगर हमारा पैशन काम बन जाए तो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। जब भी मैं लोगों के बीच में होता हूँ तो मेरा दिल पता है क्या कहता है? वो कहता है कि मुझे इन सभी लोगों की सार्वजनिक सेवा करनी चाहिए, उसी में सुकून मिलेगा। हाँ बिल्कुल, मेरा धर्म भी यही कहता है, जान बचाओ, किसी की भी जान मत लो, इसीलिए तुम हीरो हो। शुक्रिया दादू। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें इतना अच्छा रिश्ता मिला है, उसके साथ तुम बहुत खुश रहोगी। अम्मी। सुनो लक्ष्मी, हाँ आज सर? मैं ये केस फाइल रेडी करूंगा। ओके सर। फैमिली कोर्ट और तलाक का केस सर के पास? सर? फैमिली कोर्ट और तलाक का केस आते ही आप उसे दरवाजे से बाहर निकाल देते हैं, तो फिर ये? हाँ, मैंने खुद ही दूसरे के ऑफिस जाकर ये केस फाइल लाया है। क्यों पता है? क्यों सर? हर एक केस को मैं ही हैंडल करूं और एक ही जज के सामने केस को पेश करूं, ये भगवान ने डिसाइड किया है। हम सब तो समय की कठपुतली हैं। आप क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें समझ में नहीं आए तो चलेगा, पर ऊपर जो बैठा है बस वो समझ जाए। ऊपर वाला मतलब क्या सर? ऊपर वाला मतलब कोर्ट में जो ऊपर रहता है वो। तुम अपने बहन के लिए चिंता मत करो, मैंने डबल बेडरूम किचन वाला घर देखा है, तुम्हारी बहन के लिए और तुम्हारे लिए। आज तुम्हारे पति के साथ तुम्हारा तलाक हो जाएगा, कल से तुम्हारा और मेरा रोमांस शुरू। हाय सर। नमस्कार अनंतु। मेरा केस आप हैंडल कर रहे हो ऐसा मुझे सीनियर एडवोकेट भगवान जी ने बताया और आपके बारे में भी काफी कुछ कहा। हाँ। तो ये केस मेरे फेवर में होगा ऐसा भरोसा उन्होंने दिलाया है। देखो, मंदिर जाओ या कोर्ट जाओ, भरोसा करके ही आना चाहिए। मैंने तुम्हारे केस को स्टडी किया है, इतना मीडिएशन सेशन होने के बाद भी तुम्हारी पत्नी कन्विंस नहीं हुई है, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम है। थोड़ा प्रॉब्लम नहीं, बहुत प्रॉब्लम है सर। वो मीडिएशन सेशन जो मैडम करती है ना, वो मेरी बीवी का दुख देख कर खुद ही अपने तलाक के लिए आवेदन दे चुकी है सर। बहुत अच्छी लड़की से शादी की है। पहले मेरी बीवी अच्छी थी सर, लेकिन अब वो अच्छी नहीं रही सर। वही है मेरी बीवी उमा महेश्वरी। कोई बात नहीं, मेंटेन तो करना चाहिए। सर वही है उसका भाई, मेरा साला। क्या अध्यक्ष जी तुम्हारे साले हैं? हाँ सर, आप इसे जानते हैं? जानते हैं, बहुत पुरानी पहचान है। हर केस को यही हैंडल करे और यही जज के सामने चले, यही भगवान ने डिसाइड करके भेजा है। उसके लिए किसी को बदलने की जरूरत नहीं है, हम सब समय की कठपुतली हैं, है ना सर? कोर्ट ओपन्स। प्रोसीड। MC 1837 by 2018 उमा महेश्वरी वर्सेस अनिकेत त्रिमूर्ति। अनंतु, अनंतु जी, आपको बैठने के लिए नोटिस भेजूं क्या? सॉरी मैडम। बैठ जाओ। हाँ
मैडम, 10 मेडिएशन सेशन के बाद भी मेरे क्लाइंट से बस उनकी इच्छा पूछी जा रही है। ये पति पत्नी कभी एक साथ रह ही नहीं सकते, इसीलिए उमा माहेश्वरी जी और अनिकेत त्रिमूर्ति जी का तलाक हो जाए ये अनुमति दे दीजिए। अनंत कृष्णा, तुम्हें कुछ बोलना है? हाँ, यस मैडम। मैडम, मेरे जो क्लाइंट है अनिकेत, उमा महेश्वरी के साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं, और इसीलिए मैं ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए सबमिट कर रहा हूँ। अनंत कृष्णा, एफिडेविट अटैच नहीं है, ऐसे कैसे प्रेजेंट कर सकते हो तुम? एक मिनट मैडम। अरे लक्ष्मी, एफिडेविट क्यों नहीं अटैच किया है? मुझे नहीं पता, आपने ही सारे कागज तैयार किए हैं। सॉरी मैडम, अगली डेट पर मैं सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दूंगा। अनंत कृष्णा, एफिडेविट अटैच करना तो मिनिमम कॉमन सेंस है ना? जो वकील प्रैक्टिस करते हैं उन्हें तक ये पता रहता है। अगली बार कोर्ट का टाइम वेस्ट मत करना। इस केस पर विचार करने के बाद इसे 17/7/2018 को पोस्टपोन किया जाता है। मैं जैसे ही कोर्ट में मुंह खोलता हूँ, सामने वाले वकील केस फाइल और बात सब भूल जाते हैं। आपने देखी ना मेरी कैपेसिटी? मेरे पास केस से पता चल गया तो डाइवोर्स पक्का है। इसके आगे सिर्फ 2-3 हियरिंग ही होगी और बस। सर, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ और तुम पर भरोसा भी है, बट उसके ऊपर भी, वो जो मेरा वकील है ना, उस पर मुझे तुमसे ज्यादा भरोसा है। चलो मैं, अब जो होगा वो अनंत देख लेगा। अनिकेत, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? सर, मैं ऑफिस निकल रही हूँ। हाँ, जाओ। बाय सर। क्या सर, कोर्ट और मंदिर बोलकर बड़ी बड़ी बातें की और अब बुला के मुझे बाथरूम के सामने खड़ा कर दिया? मुझे आप पर भरोसा है। भरोसा है ना, उतना ही बहुत है। पहली पहली बार ऐसा एक्साइटमेंट होता है। एक्साइटमेंट? क्या सर, कैसी एक्साइटमेंट? तुम इस बात पर ज्यादा ध्यान मत दो, तुम अपने टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की सोचो। तुम्हारा प्यार जो तुमसे दूर जा रहा है उसे पाने की कोशिश करो। समझ आया ना? नहीं सर। समझने वाले को समझ आ गया और तुम भी जल्दी समझ जाओगे, देख लेना। ऐसा नहीं है, उमा के प्यार को पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है सर। उसे ये बताने के लिए मैं उसके पीछे पीछे घुमा हूँ, और जब उसे मुझसे प्यार हुआ, हम दोनों काफी घूमे हैं, वो भी मुझसे प्यार करती थी, और आज देखिए, उसी प्यार को बचाने के लिए कोर्ट कचहरी में घूम रहा हूँ सर। तुम्हारे हिसाब से प्यार का मतलब है घूमना फिरना और तोड़ना। अब मैं परेशान हूँ, पर मैं तुम्हें घुमाऊंगा नहीं। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो वो मिल ही जाएगा। अब ज्यादा सोचो मत, मैं तुम्हें अगली हियरिंग में मिलूंगा। सी यू। सी यू सर। बाय। इस बार किसी भी कारण से नुसरत मुझे रिजेक्ट ना करे, एक अच्छा सा टाइम देखकर उसे अपने दिल की बात बताऊंगा। शामिल है जिक्र तेरा आका, तू ही
क्या बेटा, आप इस दरगाह में भजन करते हैं? बस वैसा ही समझो, लेकिन ये कव्वाली है बेटा। ये सब मेरी समझ के बाहर है। सच कहूं तो मुझे तो बस एक ही गाना आता है, जियाले मिस्की, जो अमीर खुसरो ने लिखा है। अब वो भक्ति गीत हो या प्रेम गीत, क्या आप गा सकते हैं? ऊपर वाले ने दो रास्ते बनाए, एक प्यार का रास्ता और दूसरा भक्ति का रास्ता। मैं वही गाता हूं, ठीक है ना? ठीक है। हाँ मुन्ना, एक सुर ऊपर लगाओ। ठीक है। जय हाले मिस की मकुल तगाफुल दुराए नैना बनाए बत्तिया किताबे हिजरा नदार मैं जा नले हो काहे लगाए छतिया जहाले मिसकी मकुल तगाफ दुराए नैना बता। क्या बात है चाचा, आज अचानक से मोहब्बत के गीत? अरे नुसरत बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है, एक लड़के ने फरमाइश की तो मैंने गा दिया। अच्छा ऐसा, कौन है वो? अरे यही पर तो था अभी। अरे शंकर। हाँ। कल तुमने भगवान की फोटो साफ तो की थी ना, तो फिर आज वापस क्यों कर रहा है? अच्छा अगर नहीं करोगे तो भगवान तुम्हें नहीं दिखेंगे क्या? अम्मा, भगवान की फोटो से मिट्टी साफ कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं उन्हें देख सकूँ, बल्कि वो हमें अच्छे से देखने चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कहा पापा। हाँ हेलो, अनंत कृष्णन कर्माधारिता, गुरु मूर्ति जी का फोन आया था, 2 महीने से उन्हें आजकल कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो इस शनिवार उनके घर पर जाकर लड़की देख आते हैं। पापा, कोर्ट में धूल साफ करने के काम में बिजी हूँ, मैं नहीं आऊंगा। अरे अनंतु, तुम वकील होकर कोर्ट में धूल साफ करते हो क्या बेटा? दादी, मैं कोर्ट में जमीन और टेबल के धूल को साफ नहीं करता, रिश्तों के बीच जो धूल है उसे साफ करता हूँ। चलिए चलता हूँ। बाय पापा। संभल के जाना बेटा। अनंतु, ए अनंतु। क्या हुआ वत्सला? अरे खाने का डिब्बा छोड़ के चला गया ये लड़का। उसमें इतनी टेंशन लेने की क्या बात है, मैं दोपहर को मठ की तरफ जा रहा हूँ, जाते जाते दे दूंगा। MC 1837 by 2018 उमा महेश्वरी वर्सेस अनिकेत त्रिमूर्ति। अनंत कृष्ण प्रोसीड। मैडम, 12वीं सदी के ग्रेट राइटर अमीर खुसरो ने क्या कहा है पता है? जियाले मिस्किम मक्कुम तकाफुल। ऑब्जेक्शन मैडम। यस। यहाँ पर चल रहा है डिवोर्स केस और इससे उसका कोई संबंध नहीं है, तो अमीर खुसरो यहाँ पर क्या कर रहा है? मुझे इसमें थोड़ा षड्यंत्र लग रहा है मैडम। संबंध है मैडम, सारे संबंध आँखों से नहीं दिखते, जो आँखों से दिखते हैं वो बस संबंध नहीं होते, आप दिल को खोल कर नहीं देख सकते। ये प्यार, शादी, ये सारे भावनाओं के बंधन है। बंधन, संबंध, अनुबंध। यहाँ कोर्ट रूम में कहानियाँ सुना रहे हैं मेरे दोस्त,
इसमें कोई न कोई षड्यंत्र है मैडम। षड्यंत्र है? सॉरी मेरे काबिल दोस्त, बात तो पूरी करने दीजिए। आप प्लीज अनंत कृष्णा को बात करने दो। ओके मैडम। थैंक यू मैडम। मैडम मैं यहाँ सिर्फ एक वकील बनकर नहीं आया हूँ, मेरे दिल के कोने में जो प्यार की भावना है उस भावना को आपको बताने आया हूँ। उस भावना का वकील बनकर आया हूँ। मैडम जब संबंध और भावनाएं एक दूसरे से रूठ जाते हैं तभी तो तलाक की नौबत आती है। बोलिए मिसेस उमा महेश्वरी अनिकेत राव, आप अपने तो मिसेस उमा महेश्वरी आप मेरे क्लाइंट अनिकेत से फर्स्ट टाइम जब मिली थी तो वो कब और कहाँ मिली थी? षड्यंत्र। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, पहले कुआं किसने खोदा, उसमें कौन गिरा, क्यों गिरा, ये जरूरी नहीं है मैडम। उसमें से बाहर कैसे निकाला जाएगा ये जरूरी है। मेरे दोस्त काम की बात छोड़कर इधर उधर की बातें कर रहे हैं मैडम, मुझे इसमें कोई न कोई षड्यंत्र। वकील साहब आप बैठ जाइए। हाँ सॉरी। अनंत कृष्णा जरा ठीक से समझाओ। थैंक यू मैडम। टूट क्या रही है? शादी। शादी का कारण प्यार है और प्यार का कारण मिलना है, और मिलने से मेरा मतलब है फर्स्ट मीटिंग, जो कहीं भी हो सकती है। मैंने वकील साहब को पहली बार देखा था कोर्ट के कैंटीन में, मैडम सरोजा के साथ चाय पी रहे थे। ये क्या षड्यंत्र चल रहा है? तो इसी तरह कोई भी कहीं भी मिल सकता है, ऐसा कहीं भी हो सकता है, लॉ कैंप में भी हो सकता है, इस कोर्ट में भी हो सकता है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अनंत कृष्णा ये डिवोर्स का केस चल रहा है तो तुम उससे रिलेटेड बात करो। मैं यहाँ पहली मीटिंग से शुरू कर रहा हूँ और ये डिवोर्स की बात कर रही है। ठीक है मैडम, बोलिए उमा महेश्वरी। केस के बारे में जान लिया ना, अभी फीस दो। मेरे पास इस मोबाइल के अलावा कुछ नहीं है। अरे वही दे दे, चल मैनेज कर लेता हूँ। कैमरा चलता है ना? हाँ सब चलता है सर, फ्रंट बैक जो चला। हाँ ठीक है ठीक है, अब निकलो। ठीक है ठीक है सर। अरे अंकल आप यहाँ कैसे? ज्यादा कुछ नहीं बेटा, अनंतु खाने का डिब्बा घर पर ही भूल गया था तो सोचा देते हुए निकल जाऊं। मुझे दीजिए, मैं दे देता हूं। अनंतु कहां है? हाँ वो फैमिली कोर्ट में है। अरे अंकल डिब्बा दे दो, मैं दे दूंगा। दीजिए अंकल, वो आपको फैमिली कोर्ट में मिलेगा। फैमिली कोर्ट? तो अनिकेत से आपको डिवोर्स चाहिए ही चाहिए। ओके बोलिए, क्या मेरा क्लाइंट अनिकेत तुम्हें कभी मारता था या झगड़ा करता था? अगर ऐसा है तो डिवोर्स में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बताओ डिवोर्स का कारण बताओ। तुम्हें उसके साथ नहीं रहना है, क्यों? अनिकेत का नाम सुनकर ही मुझे जलन होने लगती है। अनिकेत का नाम सुनकर तुम्हें जलन सी होने लगती है, तो क्या पहले भी ऐसा होता था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहले वो इस तरह के नहीं थे। हाय, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सो मच। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, एक किस दो। और अभी कॉल कट कर रहा हूं तो समझ में नहीं आता क्या? मैं बिजी हूं, बाद में कॉल करता हूं। अनी तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे बाहर लेकर जाओगे। नींद आ रही है मुझे। हेलो। डोंट वरी, अगली बार लेके जाऊंगा, प्लीज आज थोड़ा एडजस्ट कर लो। तुम्हारा हमेशा से यही नाटक है, कुछ न कुछ रीजन बताते ही रहते हो। बाय। अनी मैंने जो बताया था वो सूट लाए क्या तुम? ओह सॉरी भूल गया, कल लेकर आऊंगा। एक हफ्ते से यही बोलते जा रहे हो। अनी क्या आज बाहर चले? नहीं आज नहीं,
और कोई दिन चलते हैं। देखिए उमा महेश्वरी, किसी को देखते ही प्यार हो जाता है, किसी को बार बार देखने से प्यार होता है, ये सब तो देखने का नजरिया है ना मैडम। संबंध वाली बात हम जरा कम करेंगे। संबंध है मैडम, उमा महेश्वरी अनिकेत को बहुत पसंद करती थी, अब नहीं पसंद करती है, इसका मतलब है आगे पसंद कर सकती है, इसलिए आप जरा उमा को सोचने की समय दीजिए, ये मेरी दरख्वास्त है, एक बार अनिकेत की तरफ से सोचिए। षड्यंत्र चल रहा है। रवा, ऑब्जेक्शन मैडम, कहानी सुनाकर खाली समय बिताने के लिए ये कोई पार्क नहीं है मैडम, कोर्ट है। अपने बेकार की बातें कर करके समय बर्बाद कर रहे हैं मिस्टर आनंद। वकील साहब, मेरे हिसाब से उमा महेश्वरी को थोड़ा टाइम देने में कोई हर्ज नहीं। ये ले दोस्त, तुम्हारा टिफिन। ओपन मत करो, मैं पहले ही खाली कर चुका हूँ। पूरी भाजी थी, बहुत अच्छी थी। ये तुम्हें किसने दिया? तुम्हारे पापा आए थे, मैंने उनसे लिया। पापा यहाँ आए थे? तुमसे मिले नहीं वो? तुम फैमिली कोर्ट में हो कहकर भेज दिया था, मुझे लगा मिले होंगे, शायद कोर्ट के कैंटीन में देख कर चले गए होंगे। आ गए बेटा, आज इतना लेट कैसे? क्योंकि आज काम बहुत ज्यादा था। क्या बेटा, तू भी सुबह टिफिन घर पे ही भूल के चला गया। अगर इन्होंने टिफिन नहीं लाके दिया होता तो कैंटीन का घास फूस खाया होता तूने आज। अरे इसे भी घास फूस ही अच्छा लगता है ना दादी। ठीक है, जाकर हाथ पांव धो लो, जल्दी से खाना खाते हैं। चलिए आप भी आ जाइए। सुनिए, खाना खा लीजिए। सुन रहे हैं ना, खाना लगा दिया है मैंने। उसे क्या हुआ है आज? पता नहीं इन्हें क्या हुआ है, सवेरे से एकदम गुमसुम से हैं। भूखा रहकर क्या बताना चाहता है? क्या हुआ पापा, इतने शांत क्यों हो? आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं, बात क्या है पापा? रास्ता भूलने वाले को रास्ते पर ला सकते हैं, सही रास्ता दिखा सकते हैं, और जब बातों से मुकर जाते हैं माफ भी नहीं कर सकते और भरोसा भी नहीं कर सकते। जाओ तुम खाना खा लो। पापा और आप? लवली बर्ड्स, कितनी अच्छी लग रही हैं। हम इन्हें प्यार करते हैं इस पिंजरे में रखकर, और इनको आसमान में आजाद उड़ना पसंद है, पर हम लोग इन्हें पिंजरे में रखे बगैर नहीं मानते, क्योंकि यही तो हमारा प्यार है। प्यार का नाम ही बंधन है ना। बड़ी अजीब सी है ये जिंदगी। अब तक दुनिया के किसी एक कोने में मैं था और किसी और कोने में आप। ना आपको मेरे बारे में मालूम था और ना ही मुझे आपके बारे में कोई जानकारी, और अब देखिए जिंदगी भर के लिए शादी करके साथ में रहने वाले हैं। हाँ निसार, जिंदगी हमें कभी समझ नहीं आएगी, पर हमें भ्रम होता है कि हम इसे समझ गए हैं। हर रोज एक नया सफर है, बस हमें उस पर चलते रहना चाहिए। बिल्कुल। MC 1837/2018, उमा महेश्वरी वर्सेस अनिकेत त्रिमूर्ति। मिस्टर अनिकेत जी, तुम बदल गए हो ऐसा तुम्हारी बीवी कहती है, इस पर तुम्हें क्या कहना है? वो सच बोल रही होगी सर, मैं उसे पहले की तरह टाइम नहीं दे पा रहा, पर इसका ये मतलब नहीं कि उसके लिए मेरा प्यार कम हो गया है, उससे भी ज्यादा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है सर। देखिए, पहले जो कमिटमेंट करते हैं वो शादी के बाद निभानी पड़ती है, उसे अगर पूरा करना है तो ये सब प्रेशर मुझे लेना ही पड़ेगा। सॉरी, फोन कट कर रहा हूं तो समझ में नहीं आता? मैं बिजी हूं, बाद में कॉल करता हूं। आजकल तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत खराब हो रहा है। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है सर, इसीलिए। पर्सनल प्रॉब्लम्स को और ऑफिस को अलग अलग रखो, अगर इन दोनों को मिक्स किया तो तुम्हारा करियर खराब हो सकता है। डोंट वरी, किसी और दिन लेकर चलता हूँ, आज एडजस्ट कर लो। कोई ना कोई रीजन देते ही रहते हो।
अनी बाहर चले क्या? बहुत थक गया हूँ, किसी और दिन चलते हैं। एक मिनट। हेलो अनिकेत, प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ? बस इतना कुछ किया मैंने, वो भी किसके लिए? कभी सोचा उसने? हमारी खुशी के लिए और हमारे भविष्य के लिए, बस यही रीजन था सर। मैडम, अगर इन्हें बात करने दिया जाए तो ये 10 डेट तक बात ही करते रहेंगे। मेरे दोस्त अनंत अगर वकालत छोड़कर डायरेक्टर बन जाते तो एक बड़ा सा सीरियल बना लेते। भगवान के लिए मैडम, मेरी क्लाइंट उमा जी से उनकी राय जानकर इस केस की सुनवाई हो जाए। अनंत कृष्णा, आपको कुछ कहना है? मैडम, मेरे क्लाइंट अनिकेत शुरू से ही अपनी वाइफ के साथ रहना चाहते हैं, ये बता रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उमा महेश्वरी को थोड़ा और टाइम दीजिए ताकि वो इस बारे में ठीक से सोच सके। मैं यही चाहता हूँ। उमा महेश्वरी और अनिकेत की बातें सुनकर कोर्ट इस फैसले पर पहुंची है कि इन्हें कुछ और समय दिया जाए और दूसरी तारीख 7/8/2018 को सुनाई जाएगी। वत्सला, किसी का फोन आ रहा है, देखो तो। हाँ। हेलो। हे भगवान, ये क्या कह रहे हैं? अजी सुनते हो? सुनिए, कृष्णमूर्ति जी की बेटी ने जहर खा लिया है। धीरज से काम लो कृष्णमूर्ति, डॉक्टर ने कहा ना जल्द सब ठीक हो जाएगा। भगवान का दरवाजा खुल गया तो क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब सही हो गया? देखो कृष्णमूर्ति, मन को थोड़ा शांत रखो। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो शंकर, लेकिन मेरी एक ही बेटी है, डिवोर्स होने वाला है जो कि नहीं होना चाहिए। उसकी एक छोटी सी बच्ची है, इसीलिए मेरी बेटी ऐसा नहीं चाहती। छोटे छोटे कारण से क्या कोई डिवोर्स ले लेता है? अब ना तो वो खुश रहेगी ना उसकी बच्ची खुश रहेगी। याद है तुम्हें, तुमने ही उसकी कुंडली देखकर कहा था दोनों के बहुत गुण मिलते हैं, ये जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, मेरी बेटी की इस स्थिति को तू देखने के लिए कोर्ट में आएगा या फिर कुंडली के जो गुण मिले थे वो मेरी बेटी की स्थिति देखने के लिए आएंगे? अब तुम चुप क्यों हो? बताओ कहां गए वो, कहां गए वो कुंडली भाग्य? हाँ, क्या कुंडली है, पूरे 10 नहीं, 18 नहीं, पूरे पूरे 28 गुण मिल रहे हैं। इससे ज्यादा क्या चाहिए कृष्णमूर्ति? याद है तुम्हें, तुमने ही उसकी कुंडली देखकर कहा था दोनों के बहुत गुण मिलते हैं, ये जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, नमो भगवते वासुदेवाय। अजी क्या हुआ है आपको? नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्या हुआ शंकर, क्या बात है? तबीयत खराब है क्या, बिना पूजा किए ही बैठा है? अरे बता ना शंकर, आखिर हुआ क्या है? अजी सुनते हो, मैं आपको कल रात से देख रही हूँ, आप कुछ गहरी सोच में हैं, क्या हुआ है? हाँ माँ, मैं चलता हूँ। बताइए ना। एक टाइम था, माँ बाप जो पुण्य करते थे वो बच्चों को बचाते थे, और जो पाप बच्चे करते हैं वो माँ बाप को भोगना पड़ता है। एक तरफ जहां बाप पति और पत्नी की कुंडली देखकर उनके गुण मिलाता है, उनकी कुंडलियां देखता है ताकि उनका जीवन सुखमय हो, वहां बेटा एक नंबर का एडवोकेट दोनों जुड़े हुए इंसानों को अलग कर देता है। पापा आप जरा मेरी। नहीं, कुछ नहीं सुनना, मैं आज तुमसे माफी मांगता हूं। कर्म इंसानों को एक करने के लिए होते हैं, ना कि अलग करने के लिए।
पापा, एक बार मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना है मुझे। तुम आज से अपना काम करते रहो और मैं आज से अपना काम नहीं करूंगा। ये क्या? अरे सुनिए तो। अरे शंकर, अरे सुनिए। अरे अरे सुन ले। अरे अपनी बात तो। अरे बेटा, अरे अब ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा है? सिर्फ सुनिए तो सही ना शंकर। पापा, पापा, अरे क्या कर रहे हैं आप? अब सुनिए तो सही। अरे बेटा, पापा कहाँ जा रहे हैं जरा? पापा, सर उसे जो ठीक लगे वैसे हो जाने दो सर। क्या मतलब? डिवोर्स हो जाने दो सर। अरे अनिकेत, ये क्या बोल रहे हो? उसके टूटे हुए दिल को आपका कानून सही नहीं कर सकता है सर। अगर जिंदगी के इस सफर में वो मुझसे दूर रहकर खुश रहना चाहती है तो वैसे ही सही। मेरे लिए उसकी खुशी इंपॉर्टेंट है। प्रोसीड। मैडम, डेट आगे बढ़ा बढ़ा कर मेरी क्लाइंट बहुत परेशान हो गई है। कृपया करके अब जल्दी से इनकी इच्छा पूछ कर केस की सुनवाई हो जाए। अनंत कृष्णा, इस बार तुम्हें कुछ कहना है? नहीं मैडम। Are you sure? हाँ मैडम। मैडम, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, मुझे मेरा पति वापस चाहिए। उमा महेश्वरी, ये क्या किया आपने? जजमेंट हमारे पक्ष में आ रहा है, डिवोर्स निश्चित मिलेगा, एक बार सोच कर देखिए। मेरे लिए उसकी खुशी इंपॉर्टेंट है। हमारा झगड़ा जो होता है बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह होता है। हाँ तो क्या हो गया? तुम दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम्स आती थी तुम दोनों ही सॉल्व कर लेते थे। उस वक्त तुम दोनों के बीच प्यार था, ईगो नहीं था। लेकिन अब देखो, तुम और अनिकेत जब से मिले हो तब से लेकर आज तक तुम्हारे बीच क्या क्या हुआ है उसके बारे में सोचो और फिर बोलो क्या तुम उसके बिना रह सकती हो। मैडम, मैं अपनी गलती समझ गई हूँ, मैं उनके पास वापस जा रही हूँ। उमा महेश्वरी जी, मेरी बात सुनिए, ये क्या षड्यंत्र चल रहा है? अचानक पति पत्नी दोनों आपस में मिल कैसे गए? ये षड्यंत्र है, षड्यंत्र है। मैं समझ गया हूँ, ये षड्यंत्र है। उमा महेश्वरी जी, आपको पहले विचार करना चाहिए था, आपके साथ साथ कोर्ट का टाइम खराब नहीं होता। सॉरी मैडम, मेरी वजह से कोर्ट का टाइम खराब हुआ, लेकिन इस कोर्ट की वजह से मेरा टूटता रिश्ता बच गया है। ए उमा महेश्वरी जी, उधर कहाँ जा रही हैं? आप यहाँ पर आइए, मैं आपको समझाता हूँ। मैं कुछ भी करके आपको डिवोर्स दिलवाऊंगा, यहाँ आइए, मेरी बात सुनिए। वकील साहब। उमा महेश्वरी जी, सॉरी मैडम। वो दोनों एक होना चाहते हैं तो आपको क्या दिक्कत है? नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नॉट मैडम। षड्यंत्र है ये। उमा महेश्वरी और अनिकेत त्रिमूर्ति ने साथ में रहने का फैसला लिया है, इसलिए इस केस को बेवजह मानते हुए कोर्ट इन्हें एक साथ रहने की इजाजत देती है। सर सच कहूँ तो ये टाइम अब मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, और तो और इस तरह से खुशी खुशी दी एंड होगा ये मैंने सोचा भी नहीं था सर। इसकी वजह आप हो वकील साहब, थैंक यू सो मच। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, अनिकेत को मना करने के हजारों कारण थे, लेकिन उनकी अच्छी आदतों को महसूस करने के लिए आप ही ने बताया था मुझे। आज फ्राइडे है ना? हाँ
जी फ्राइडे। मुझे एक जरूरी काम है, मैं बाद में मिलता हूँ। श्योर, सी यू। थैंक यू, सी यू। चाचा, हाँ? कैसे हैं आप? अरे बेटा, अल्लाह के करम से ठीक हूँ। बताओ, आज क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? हर बार मैंने जो कहा वो गाना आपने गाया, इस बार आपके मन में जो है वो गा दीजिए। वैसे सच कहूँ तो आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। अच्छा, सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम नुसरत बेटी। अनंतु, तुम यहाँ? वो मैं यहाँ हमेशा आता रहता हूँ। हाँ बेटी, उस दिन जिसने मोहब्बत के गीत गाने की फरमाइश की थी वो यही है। हाँ? चाचा, चलता हूँ। अच्छा बेटा, ताल चेक कर लो। नुसरत, वो गाना तुम्हें इतना अच्छा लगा? वो गाना जब से तुम्हारी जुबान से सुना है मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। और एक और बात यह है कि मुझे तुम भी अच्छी लगने लगी हो। नुसरत, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। मुझे ये कहना है नुसरत, कि हाँ हम लोग चले। हाँ, ये अनंत कृष्णा है। oh. वकील। हाय। हेलो। हमने सारे मत। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। ये मेरे होने वाले शौहर। ओ अनंतु, तुम कुछ बोलने वाले थे ना, बोलो क्या हुआ? कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। बस आप शादी में जरूर आना, वी विल बी एक्सपेक्टिंग यू, है ना नुसरत? हाँ डेफिनेटली। के लिए भेजा था। कहाँ है वो? टाउन हॉल के सामने माइक लगा देना। मार्केट का फ्लाईओवर जाम हो जाना चाहिए। प्रोटेस्ट बिल्कुल सही तरीके से करना। और हाँ, प्रोटेस्ट करवाने वाला कोई भी हो और उसका परिणाम चाहे जो भी, लेकिन इन सब का फायदा सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए। ठीक है सर। हाँ। जो फायदा सोचता है वो लीडर कभी नहीं बन सकता। दूसरों के सिर पर पांव रखने वाला कभी बड़ा नहीं बन सकता। बड़ा बनने के लिए दोनों चीजें चाहिए। अगर प्यार भरा मन होगा तो बड़ा बनेगा। वकील साहब, तुम्हारी बातें कोर्ट में अच्छी लगती हैं। यहाँ आकर राजनीति मत करो और ऐसी गलती कभी करना भी मत। सोच लो। सोचने वाला गलती नहीं करता है और गलती करने वाला सोचता नहीं है। तेरी बहन ने शादी करने से पहले सोचा नहीं होगा, तब उसने गलती की होगी। पर अब वो सोच समझ कर उसके साथ रह रही है। उसे देख कर तुझे खुश होना चाहिए। तेरी बहन का घर टूटने वाला था। अगर तू एक अच्छा भाई होता तो उसे कोर्ट में नहीं धकेलता। अपने प्यार को पाना बहुत बड़ी बात है और प्यार को पाकर उसे खो देना दुख की बात है। फायदा नुकसान सोचने वाले तेरे जैसे आदमी को प्यार के बारे में क्या पता? तेरी बहन की खुशी किसमें है तू ये नहीं जान पाया, तो समाज की खुशी किसमें है ये कैसे जान पाएगा?
आगे आओ। आशीर्वाद लो इनका। अरे आशीर्वाद दीजिए, खुश रहो। अंदर आइए। यह है मेरी बहन उमा। इसकी शादी हुई थी लेकिन यह अपनी शादी से खुश नहीं थी, इसलिए तुम्हारे बेटे के पास आकर मैंने तलाक दिलाने के लिए बोला, लेकिन उसने कहा कि मैं तलाक का केस बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। लेकिन इसके बाद उसने इसके हस्बैंड का केस लेकर फैसला भी करवा दिया। तलाक मिल गया ना, और इसकी दूसरी शादी भी कर दी तुमने। आप गलत सोच रहे हैं। अच्छा, मेरा बेटा मेरी बातों की इज्जत करेगा, गलत सोच लिया था और उसके खिलाफ जाकर तलाक का केस ले लिया उसने। नहीं सर, आपके बेटे ने यह केस तलाक करवाने के लिए नहीं बल्कि दोनों को एक करने के लिए लिया था। मुझे तो यह लगा था कि आपका बेटा इन दोनों को जरूर अलग कर देगा, लेकिन उसने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि इन दोनों के बीच कितना प्यार है, फिर इन्हें एक कर दिया। मेरा तो बस एक ही मकसद था कि मैं अपनी बहन को उसके पति से कैसे दूर करूं, लेकिन इस दुनिया में कभी ना कभी इंसान को हारना ही पड़ता है। यह बात इन दोनों को और मुझे भी आपके बेटे ने समझा दिया। आप रिश्ते जोड़ने का काम करते रहो और आपका बेटा टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का काम करता रहेगा। आप दोनों को कोई लालच भी नहीं है। बेर के पेड़ का फूल जब इतना अच्छा है तो उस पेड़ का बेर कितना अच्छा होगा, यही बताने मैं यहां आया था। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। चलता हूं। चलते हैं। माफ कर दे मुझे बेटा। क्यों पापा? मेरा बेटा कभी कोई गलत काम नहीं करेगा, यह सोचकर खुद ही मैंने तेरे बारे में गलत धारणा बना ली थी बेटा। ये क्या है पापा, बच्चों की तरह रो रहे हो। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आपको मुझ पर भरोसा है और आप मुझसे प्यार करते हैं, बस और क्या चाहिए पापा। जो भी रिश्ते टूटते हैं वो हमारी परिस्थिति नहीं होती, हमारे सोचने का ढंग होता है। सभी वकील लोग डिवोर्स केस लेकर रिश्ते तोड़ते हैं, ऐसा हमेशा मेरा विचार था, लेकिन टूटे हुए रिश्ते जुड़ सकते हैं ये तुमने साबित कर दिया मेरे बच्चे। मुझे तुम पर गर्व है मेरे बच्चे। मैंने कुंडली मिलाकर उनका अच्छा भाग्य देखकर जो शादी तय करवाई थी उसके टूटने पर मुझे तकलीफ हुई थी, लेकिन ये जन्म पत्रिका कुंडली से कुछ भी जरूरी नहीं है, केवल साफ मन का होना जरूरी है। हमेशा अच्छा काम करते रहो। ब्रेकिंग न्यूज, हेल्थ मिनिस्टर के सचिवालय पर डॉक्टरों का घेरा और वहां पर हजारों लोग जमा हुए हैं। हजारों प्राइवेट डॉक्टर्स ने सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है, आज से वो हड़ताल पर जा रहे हैं। ए, क्या चल रहा है? क्या पेशेंट मरने के बाद देखोगे? हमें यहाँ आकर 2 घंटे हो गए हैं। मैं चेक कर रहा हूँ ना, एक साथ कितने पेशेंट को देखूंगा। आप जरा शांत रहिए। देखिए सर, प्राइवेट डॉक्टर्स ने स्ट्राइक किया है तो गवर्नमेंट डॉक्टर्स याद आ रहे हैं। कैसे कैसे लोग हैं यहाँ, आप जैसे प्राइवेट डॉक्टर्स यहाँ पर हमारी मदद करते हैं, यहाँ आकर ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। वो उनके हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन एक डॉक्टर होना कोई बिजनेस की बात नहीं है, ये जीवन को बचाने का काम है। बस इसीलिए इसे इंसानियत से करना चाहिए। सर, अभी मैं तीसरे पेशेंट को लेकर आ रहा हूँ,
डॉक्टर्स की स्ट्राइक की वजह से कितना प्रॉब्लम हो रहा है देखो, 100-150 लोग लाइन में खड़े हैं। हाँ अनंत। हाँ अंकल, बस ऐसे ही हाल चाल पूछने चला आया। वो सावित्री ठीक है ना? हाँ बच गई है। पता चला मुझे। कॉफी लोगे या चाय लोगे? कुछ नहीं अंकल, सावित्री का केस स्टडी किया है मैंने। सच कहूं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बेटी की जिंदगी में जहर पीने की इतनी बड़ी घटना के बाद कोर्ट में केस दायर करने का क्या मतलब? इससे कोई फायदा नहीं होगा, उल्टे हमारी इज्जत और खराब होगी। बेटी सावित्री, इनके लिए एक गिलास ठंडा छास बनाकर ले आओ। अंकल मैं सब समझता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ तक आया हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी के लिए तुम अपना दिमाग मत खराब करो। अंकल आप जिस तरह से बात कर रहे हैं ये देखकर मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ। अगर आपका बेटा होता और वो जो जिम्मेदारी लेता, वो जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। एक भाई की हैसियत से सावित्री की जिंदगी को खुशियों से भरना मेरी जिम्मेदारी है। आज के बाद इस केस को मैं हैंडल करूंगा। कल कोर्ट में आ जाइए, मैं इंतजार करूंगा। निसार? नुसरत, ये डॉक्टरों की जो स्ट्राइक चल रही है वो 2 दिन तक मुझे लगता है और चलेगी, लेकिन जहाँ पर मैं ड्यूटी पर रहता हूँ वहाँ की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। 2 किलोमीटर छोड़ो, वहाँ पे 20 किलोमीटर तक एक भी अस्पताल नहीं है। दवाइयों के बाद दूर वहाँ पे तो लोग खाना खाने के लिए तरसते हैं। ऐसी सिचुएशन में मैंने उन्हें वहीं पे छोड़ दिया और खुद यहाँ पे आ गया। बहुत गिल्टी फील हो रहा है। अगर कंपेयर किया जाए तो हमारे हालात बहुत अच्छे हैं। हाँ मैंने भी पढ़ा है। पता है अभी जब मैं अंदर लोगों को एग्जामिन कर रहा था तो मुझे उस जगह की बार बार याद आ रही थी, वहां की सिचुएशन की। I'm totally confused. मेरी बात मानकर यहाँ आने के लिए शुक्रिया। सर डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, रिलैक्स करो, मैं सब देख लूंगा। तुम बस यहाँ साइन करो, तुम्हारी जिंदगी को ठीक करने की जिम्मेदारी अब मेरी। सर चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मेरी बेटी चाहिए। एक बच्ची कोर्ट के ऑर्डर को क्या समझेगी, और उसे कोर्ट के ऑर्डर से बहुत तकलीफ होगी। ये कोर्ट का ऑर्डर हम माँ बेटी को कभी अलग नहीं कर सकता। ये लीजिए। सर ये देखिए मेरी बेटी आ गई। ज्यादा टाइम मत लगाना, जल्दी आ जाना। स्पंदना बेटा कैसी हो तुम, ठीक तो हो ना? तुम्हें मेरी याद आती है कि नहीं? एक मिनट रुको। हाँ ये लो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई हूँ। ओके सर। तुम्हें बड़ी वाली चॉकलेट खानी थी ना, लो ना खाओ बेटा, ले लो बेटा। माँ को मना नहीं करते बेटा, माँ को तकलीफ होगी ना। हम ले लो बेटा, ले लो ना बेटा। लक्ष्मी इन्हें संभालो। बेटा देखिए बेटा यहाँ, वो अभी बच्ची है उसे क्या पता चलेगा, उसकी बात दिल पर मत लीजिए। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? स्पंदना है। स्पंदना, तुमने अपनी मम्मी से बात भी नहीं की, उन्होंने चॉकलेट दिया तुमने वो भी नहीं लिया, क्या तुम्हें चॉकलेट्स पसंद नहीं? बेटा पसंद है, पर पापा ने बोला है मम्मी से मैंने अगर कुछ लिया तो वो मुझे दोबारा मम्मी से मिलने नहीं देंगे, इसलिए मैंने अभी चॉकलेट नहीं लिया, मुझे मम्मी से आगे भी मिलना है। अच्छा ठीक है, पर तुम्हें पापा के साथ रहना अच्छा लगता है कि मम्मी के साथ? मुझे दोनों के साथ ही रहना अच्छा लगता है, मुझे दोनों चाहिए। स्पंदना चलो मैं चलती हूँ।
नुसरत, इस बार जब मैं इंडिया आया था तो शादी करके यहीं पे सेट हो जाऊं ऐसा प्लान बनाया। इसको पैक करो भैया। जी साहब। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि मुझे ये प्लान बदलना होगा। ये लो साहब। हाँ? ये लो भाई। हाँ सर। आप क्या बोल रहे हो? बचपन से ही मेरा डॉक्टर बनने का सपना था और फिर गरीबों की मदद करके उनका सहारा बनूं, ये मेरी ख्वाहिश। लेकिन अभी तो आप वही कर रहे हो ना? हाँ, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि इस जगह से ज्यादा मेरी उस जगह पर जरूरत है। अगर वहीं रहकर मैं अपना काम करूंगा तभी मेरी जिंदगी का मतलब है। हाँ। नुसरत, तुमसे मैं एक बात पूछूं क्या? पूछो निसार। शादी के बाद तुम मेरे साथ इथोपिया चल सकती हो? निसार, मैं आपकी फीलिंग्स को अच्छी तरह समझती हूँ। आपका पेशा मेडिकल साइंस है, डॉक्टरी तो आप कोई भी देश में कर सकते हो। हमारी जरूरत जहाँ है वहीं रहने का सही मतलब है, इस बात को मैं समझती हूँ। पर मैंने पढ़ाई इंडियन लॉ में की है और गरीबों को न्याय मिले इसलिए मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। हाँ नुसरत, तुम सही कह रही हो। अभी हमारे जिंदगी के आदर्श और इच्छाओं को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। वैसे भी आगे चलकर हम गलती करें और फिर अफसोस हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा ये प्यार एक बंधन नहीं बनना चाहिए। निसार, मुझे अभी तक अपनी जिंदगी में आपसे अच्छा इंसान नहीं मिला। हम पति पत्नी की तरह ना सही, पर अच्छे दोस्त तो है ना? इस जिंदगी में तुमने अपना जो भी एम सेट करके रखा है, मेरा दिल कहता है तुम उसे जरूर हासिल करोगी। बेस्ट ऑफ लक। हाँ हेलो सर, मंजुनाथ वर्सेस सावित्री का केस नुसरत मैडम के पास आया है सर। और हाँ, उसकी डेट कल की ही है। अनंतु, इट्स ओके भाई, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। लो, एटलीस्ट थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे और सब भूल जाओगे। नहीं चाहिए यार, खुशी के पल को और दुख के पल को कभी भूलना नहीं चाहिए। उन्हें याद करना चाहिए और उन यादों का ही नशा है। MC 1649 by 2017 मंजुनाथ वर्सेस सावित्री। मैं आपने क्लाइंट के लिए उपस्थित हूँ मैडम। प्रोसीड। याद है ना क्या बोलना है? मैडम, मेरे क्लाइंट पर झूठी प्रताड़ना का केस लगाया गया है जो पूरी तरह बेबुनियाद है मैडम। मैडम, श्रीमती सावित्री देवी ने आत्महत्या करने का प्रयास भी किया है मैडम। कोर्ट को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। कानून की नजर में आत्महत्या करना अपराध है। देखने से ये पता चलता है कि इनकी दिमागी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। ऐसी हालत में उनके साथ ये एक छोटा सा बच्चा है, ऊपर से ये लड़की है। इस लड़की के भविष्य के बारे में सोचकर मैं माननीय न्यायालय से प्रार्थना करता हूँ। इतना ही नहीं मैडम, इनके पक्षधार मंजुनाथ जी इस लड़की की परवरिश की जिम्मेदारी ले लें और सावित्री देवी की इसमें सहमति हो मैं कोर्ट से निवेदन करता हूँ। सावित्री देवी, तुम्हें कुछ बोलना है? अनंत कृष्णा, अनंत कृष्णा। सर। सावित्री जी का ये केस तुमने ही दोबारा फाइल किया है ना? जी मैडम, पर मैं ये केस नहीं लड़ने वाला हूँ, इसलिए मैं ये केस वापस ले रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस केस से भाग रहा हूँ। छोटी बच्ची स्पंदना के लिए मैं ये कदम उठा रहा हूं। आई ऑब्जेक्ट मैडम, आई ऑब्जेक्ट। मैडम, लड़की के माँ बाप नेचुरल गाइडेंस में रखते हुए बच्चों की जिम्मेदारी किसी और को नहीं दे सकते मैडम। ये नहीं हो सकता है, ये एक पारिवारिक मामला है, इसको व्यक्तिगत रूप से नहीं देख सकते मैडम। मेरे काबिल दोस्त अनंत जी को यह शायद पता नहीं है मैडम, शायद इसके बारे में। वकील साहब सही कह रहे हैं, ये व्यक्तिगत केस मेरे कोर्ट में नहीं चलेगा।
मैडम, अपनी हैसियत के हिसाब से ये कुछ सबूत हैं जो मैं पेश कर रहा हूँ, जरा इन्हें देखिए। मंजुनाथ जी को अपनी बेटी की कस्टडी चाहिए पर अपनी बीवी नहीं, लेकिन सावित्री को उनकी बेटी और पति दोनों चाहिए, और छोटी बच्ची स्पंदना भी अपने माता पिता दोनों के साथ रहना चाहती है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, बच्चों को कानून के बारे में पता होना चाहिए, अपने भविष्य के बारे में सोचने का हक होना चाहिए, और इस अधिकार से सेक्शन 2I क्लास A के मुताबिक बच्चों को अपनी शिक्षा का और अपने भविष्य के बारे में सोचने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए, और इसे वो अधिकार मिले इसीलिए मैं स्पंदना को उसके माँ बाप के साथ रहने की केस अपील करना चाहता हूँ। ये लीजिए, जूनियर जस्टिस एक्ट सेक्शन 2012 के मुताबिक उसे ये चुनने का हक है कि उसे प्यार कौन देगा। सेक्शन 9 और सेक्शन 27 के मुताबिक मेरे क्लाइंट को उसके भविष्य के बारे में सोचने का पूरा अधिकार है, और इसलिए इस केस को फैमिली कोर्ट में दाखिल करने की मेरी विनती है। स्पंदना के बारे में जो केस दायर हुआ है उसके बारे में कोर्ट के सभी निरीक्षण करने के बाद कोर्ट केस की अगली तारीख 28/19/2018 तक मुलतवी करती है, और तब तक बच्ची को सरकारी आश्रम में रखने का निर्देश देती है, और कोर्ट ये भी निर्देश देती है कि माँ या बाप में से किसी को भी अपनी बच्ची से मिलने की इजाज़त नहीं है। यहाँ के बच्चों का कितने अच्छी तरह से ख्याल रखती हो, हैट्स ऑफ टू यू मैडम। हम कितना भी अच्छे से ख्याल रखें, लेकिन हम उन्हें माँ बाप का प्यार तो नहीं दे सकते ना। माँ बाप जिंदा नहीं है यह अलग बात है, इनमें से कितने बच्चे अपने माता पिता के गैर जिम्मेदारी की वजह से यहाँ हैं। बेचारे बच्चे, किसी का बाप पीता है तो किसी की माँ ने बच्चे को अस्पताल में छोड़ दिया। देखो स्पंदना भी वही है। थैंक यू, वेलकम। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शालिनी है। तुम्हारे माँ पापा भी झगड़ा करते हैं क्या? मेरे पापा मेरी दूसरी मम्मी के साथ रहते हैं। मेरी मम्मी कहाँ है मुझे नहीं पता। हाय स्पंदना। हाय मामा, मेरे बहुत सारे दोस्त हो गए हैं। ये शालिनी और ये कविता, ये सब मेरे अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। नहीं मामा, सिर्फ मेरे लिए लाए हो तो नहीं चाहिए, मेरे सारे दोस्तों के लिए लाए हो तो मैं ले लूँगी। नुसरत। हाँ। कोई सीरियस केस है क्या? हाँ अम्मी, मेरे कोर्ट में बहुत ही पेचीदा केस चल रहा है, उसी के बारे में जानकारी ले रही हूँ। ठीक है, चाय पी लेना। अम्मी। मैं निसार से निकाह नहीं कर रही हूँ, इससे आपको कोई शिकायत नहीं? शिकायत तो है बेटा, इतना अच्छा लड़का है और अच्छा रिश्ता टूट रहा है, इसका मुझे दुख है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और हमारे निकाह के बाद तुम्हारे अब्बू ने मुझे क्या चाहिए वो खुद ही तय करते थे, और फिर मेरे शौहर ने मेरे लिए जो भी तय किया अम्मी, वही जिंदगी मैंने जी है, इसीलिए तुम मेरी तरह मत बनो। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, दिमाग से तेज हो, अपना डिसीजन खुद से ले सकती हो। दादू से मैं बात करती हूँ। थैंक यू अम्मी। इसीलिए मैं माननीय अदालत से ये प्रार्थना करता हूँ कि इनके पति श्री मंजुनाथ जी से बात करके और श्रीमती सावित्री जी से उनकी राय पूछकर फैसला सुनाया जाए। अनंत कृष्णा, तुमने जो केस दर्ज किया है उसे मैंने अच्छी तरह से गौर किया है, मैं तुम्हारे मन की बात समझ सकती हूँ, लेकिन ये केस इस तरह से कोर्ट में दर्ज नहीं किया जा सकता है। केस के लिए कोर्ट में कुछ ठोस सबूत रहना जरूरी है। क्या तुम अभी भी कोर्ट से कुछ पूछना चाहते हो? जरूर पूछना चाहता हूँ।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बच्चे की कस्टडी बच्चे के चाहत अनुसार ही होना चाहिए और ये उस बच्चे का हक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बच्ची चाहे तो अपने माँ या अपने पापा के साथ रह सकती है। पर स्पंदना को दोनों की जरूरत है, बच्चे देश का भविष्य होते हैं, पर वर्तमान ही सही नहीं होगा तो भविष्य कैसे सही होगा। माँ बाप के बीच होने वाली ईगो प्रॉब्लम, मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन गैप, इन सब का बच्चों के ऊपर बहुत असर पड़ता है। प्रॉब्लम्स किसमें नहीं होती, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, हर किसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती ही है और उन्हें सही करने के बजाय हम उनसे दूर चले जाते हैं। माँ बाप साथ में तो रहते हैं लेकिन एक नहीं होते, और ये बात एक बिन बाप की बच्ची ही समझ सकती है। हर रोज हजारों लोग इस फैमिली कोर्ट में डिवोर्स के लिए आते हैं, डिवोर्स के नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। अगर पति एक लॉयर से बात करता है तो वहां पत्नी दूसरे लॉयर से बात करती है और दोनों के बीच उनका बच्चा अकेला पड़ जाता है। ऑफकोर्स डिवोर्स के बाद वो बच्चा अपनी माँ या बाप के साथ रह सकता है, लेकिन उस बच्चे के भविष्य का क्या? अगर माँ बाप का प्यार उसे नहीं मिलेगा तो वो समाज में अच्छे से कैसे रह सकता है? वो मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट को इस बारे में सोच समझकर फैसला करने की बहुत जरूरत है। मेरी क्लाइंट चाहती है कि स्पंदना अपनी माँ और बाप। मामा, मैं मम्मी पापा के साथ नहीं रहूंगी, उन दोनों को बस झगड़ा ही करने दो। मैं जहाँ हूँ वहाँ बहुत खुश हूँ, वहाँ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनके मम्मी पापा नहीं है, मेरे भी मम्मी पापा नहीं है, ऐसा सोचकर मैं वही रह लूंगी मामा। अनंत कृष्णा, तुमने ही कोर्ट में ये बताया था ना कि बच्ची को समझ नहीं है कि वो कहाँ रहना चाहती है। देखो, बच्ची ने तय कर लिया है, ये कोर्ट पति पत्नी को साथ रहने की अनुमति तो नहीं दे सकता है, पर बच्चे की समझ के अनुसार वो जहाँ चाहे वहाँ रह सकती है। अब से स्पंदना चिल्ड्रन होम में रहेगी। मेरी बात सुनिए मैडम, प्लीज। मैडम, मुझे ये डिवोर्स नहीं चाहिए। मैडम, मैडम, मंजुनाथ, मंजुनाथ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम चुप रहो, कुछ मत बोलो। मैडम, मैं मंजुनाथ की तरफ से कुछ पेपर दिखाना चाहता हूँ। हमारे ईगो और हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है हम उसे दूर कर लेंगे। मैम, मैं तुम्हारा वकील हूँ, मुझे फीस दिया है ना, मैं तुम्हारे बदले में बात करता हूँ। चुप रहिए सर, प्लीज सर। वकील साहब, इन्हें अपनी बात पूरी कहने दीजिए। मैडम, मेरे लिए मेरी बेटी का भविष्य इम्पोर्टेंट है। मैडम, मुझे मेरी पत्नी चाहिए। मैडम, मैडम, आगे से मैं एक अच्छा पिता बनकर दिखाऊंगा और एक अच्छा पति बनूंगा। प्लीज मैडम, मुझे ये डाइवोर्स नहीं चाहिए। मैडम प्लीज। हाँ मैडम, मैं अपने पति के साथ अच्छे से रहूंगी और अब मैं दुनिया वालों की कोई भी बात नहीं सुनूंगी। मेरी बेटी के भविष्य के लिए हम साथ में रहे वही जरूरी है। मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए मैडम, नहीं चाहिए। कोई भी परिवर्तन सिर्फ कोर्ट में ही नहीं होता, सबसे पहला बदलाव हम में ही होता है। इस बात को समझाने वाली स्पंदना को अभिनंदन। मंजुनाथ और सावित्री दोनों साथ में रहने का निर्णय ले चुके हैं, इसीलिए MC 1649 2017 को बेवजह मानती है। MC 1425 by 2017, रघु आनंद वर्सेस मेघना। मामा। अनंत बेटा, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी में दोबारा खुशी आ गई। बेटा, मैं तुम्हारा एहसान मंद। अंकल, इसका कारण मैं नहीं, आपकी पोती स्पंदना है। तुम चाहती थी ना मम्मी पापा साथ रहें, तो लो अब साथ रहेंगे। खुश हो ना? रहोगे ना? तुम्हें मम्मी पापा दोनों चाहिए ना? तो कोर्ट में जैसा मैं कहूंगा वैसा करना। ठीक है मामा। वेरी गुड। तुम्हारे पिता ने जो जोड़ी बनाई वो कभी नहीं टूट सकती। कृष्णमूर्ति, साथ में रहना और अलग हो जाना कुछ भी हमारे हाथ में नहीं रहता है, इसके लिए अनंत का आशीर्वाद है। पापा, आप यहाँ कैसे? यहाँ आने वाले थे, बताया भी नहीं। पिछली बार जब आया था तो क्या बताकर आया था? उस रोज मैंने गुस्से में तुम्हें ना जाने क्या क्या कह दिया था,
उसके लिए मुझे माफ कर दो दोस्त। अब सब अच्छा हो गया है, सब भूल गए हैं। कितने दिनों के बाद आपकी पोती घर आ रही है, खुशियां मनाओ। सही है, अब हम लोग चलते हैं। चलता हूँ अनंत भाई। बाय मामा। बाय। पापा, पिछली बार जब आपसे बिना पूछे मैंने डिवोर्स केस लिया था, तब मेरा उद्देश्य ही अलग था। अब उस उद्देश्य की बात छोड़िए, पर आप खुश हैं ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तुम्हारा उद्देश्य सही रहेगा मुझे पहले से पता था। इसके बाद तुम जो कुछ भी करोगे मैं कभी बीच में नहीं आऊंगा, वादा। भैया मुझे भी एक केक बांट रहे, जल्दी आ जा। मुझे भी चाहिए। मुझे भी देना। थैंक यू। मुझे भी केक चाहिए। अंकल आज तो बहुत मजा आएगा, मैं तो डबल करने हाय। हाय। तुम यहाँ हमेशा आती रहती हो? हाँ, आती रहती हूँ। यहाँ जो बच्चे रहते हैं उनकी कोई केयर नहीं करता, और ऐसी प्रॉब्लम के लिए कानून भी कुछ नहीं कर सकता ना। सही कहा, सलूशन अलग होता है पर प्रॉब्लम्स एक साथ रहते हैं, और हम प्रॉब्लम्स को ही देखते रहते हैं जो कि गलत बात है। वैसे निसार कैसा है? हाँ अच्छे, लेकिन मैं उनसे शादी नहीं कर रही। हम दोनों पति पत्नी नहीं हो सकते, पर हमने फैसला किया है कि हम अच्छे दोस्त रहेंगे। हाय नुसरत। ओ अनंतु, तुम इस पर भरोसा करती हो? ऐसा करने से तुम्हारी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। मेरी दिक्कत दूर होगी या नहीं ये तो नहीं पता, पर जब मैं उन्हें चाबी दे देती हूँ तो मेरे मन को थोड़ा सुकून सा मिलने लगता है। बस मेरा दिल कहता है कि यही सही है। बस यही भरोसा मुझ पर भी कर लो, और ये चाबी मुझे दे दो, तुम हमेशा खुश रहोगी। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है तब से तुम्हें पसंद करता हूँ। तब से लेकर आज तक मेरे मन में सिर्फ तुम ही हो, और ये सच है। आगे से तुम्हें ये ताला लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। नुसरत, मुझसे शादी करोगी? हाँ। देखो मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा जो फैसला है मुझे मंजूर है। अनंतु, तुमसे शादी ना करने का कोई रीजन नहीं है, लेकिन मुझे शादी का ये रिश्ता समझ ही नहीं आता। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि हम वो मंत्र जानकर साथ फेरे ले लेते हैं और कुछ सालों में दूर हो जाते हैं और कबूल बोलकर तलाक भी ले लेते हैं। शादी किस तरह से होती है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर शादी के बाद एक दूसरे को कैसे समझते हैं ये इम्पोर्टेंट है। तुम्हें जिंदगी भर मैं खुश रखूंगा, इतना यकीन तुम कर सकती हो। उस गाने को जब तुम्हारी जुबान से सुना तब से मुझे तुम पसंद आने लगी थी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। जो आंखों से दिखते हैं वो बस संबंध नहीं होते, आप दिल को खोलकर नहीं देख सकते। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूंगा, और ये आनंद नुसरत के आने का इंतजार करेगा। सब कादरियों के सामने
नुसरत फातिमा बेग का निकाह अनंत कृष्णा के साथ किया जाता है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? मैंने कबूल किया। क्या आप कबूल करते हैं? कबूल है। अनंतु, मैंने सुना है कि तूने दो दो शादियां की है। एक ही लड़की से दो तरह से शादी करने वाला बहादुर, मेरा दोस्त कांग्रेस। देख, शादी करने का फैसला हम करते हैं और उसके बाद माँ बाप की इच्छा होती है। क्या कह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब्बू, ये सब जो हो रहा है इसी में अल्लाह की मर्जी है। आपका जमाई आपकी बेटी को तलाक दे के चला गया, लेकिन मेरा जमाई मेरी बेटी को कभी तलाक नहीं देगा। आपका नाम क्या है? पल्लवी। नेक्स्ट, आपका नाम क्या है? देव। नेक्स्ट, आपका नाम क्या है? नाम से धर्म का पता चलता है, लेकिन प्यार धर्म नहीं देखता।